हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर 5 ऑफ डेरिवेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चंस हमारे डिफिकल्ट रहेंगे, तो थोड़ा सतर्क होके सावधान होके सुनिएगा। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट, लेंदी एंड थोड़ा दिमाग लगेगा आपका। कल के क्वेश्चंस हमारे काफ़ी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि कल भी बहुत ईजी थे, बट ग्राफिकल थे, तो अपने को ग्राफिकल आता है, इस कारण हमारे लिए आसान। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। लिखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाय 2 प्लस 13 बाय 4। अगर x 1 से छोटा है तो ये परिभाषा है, और अगर x 1 से बड़ा या बराबर है तो मॉड ऑफ x माइनस 3 ये फंक्शन। ठीक है, तो अगर ऐसा है देन आपके पास चारों। अच्छा, ये मैंने कल होमवर्क में दिया था क्या? आई डोंट रिमेम्बर, मे भी दिया होगा बट नहीं दिया था शायद। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में लिख रहा हूँ कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड ऑप्शन है कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। थर्ड इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, एंड फोर्थ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपको चारों पॉइंट पे चेक करना है। अब मैं आपको क्या सिखा चुका हूं कि कभी भी मॉड दिखे तो पहले डिफाइन कर लो भाई। जीआईएफ दिखे डिफाइन कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट दिखे डिफाइन कर लो, डिफाइन करने के बाद सॉल्व करें। तो पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द फंक्शन। तो आप लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करते आता है अपने को। इधर देखो, अगर x 1 से बड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन 3। अपने को 1 से बड़ा और 1 से छोटा सोचना है। तो देखो ऐसा कुछ है ना, नंबर लाइन है अपने पास ये, हमको 1 से बड़ा सोचना है अभी। तो 1 से बड़ा भी कब तक? 3 तक काम चलेगा, क्योंकि आप लोग समझदार है ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आप 3 से बड़ा नंबर रखोगे तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा, 3 से छोटा रखोगे तो नेगेटिव खुलेगा। अपने को 1 से बड़ा तो रखना ही है, बट इस चीज का भी ध्यान रखना है कि 1 से 3 के बीच में कुछ कुछ हो रहा है। तो हम लोग ग्राफ को ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले ग्राफ बोल रहा हूँ मैं, फंक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर 1 से 3 के बीच में x रहा तो ग्रीन जोन आएगा। मैं गलत कह रहा हूँ, रेड जोन आएगा। रेड इसलिए क्योंकि नेगेटिव है, ग्रीन मतलब पॉजिटिव। तो 1 से 3 के बीच में अगर 1 से 3 के बीच में अगर हमारा x रहा तो ये नेगेटिव खुलेगा। अरे रख के देख लो ना, 2 रख के देख लो नेगेटिव आएगा, 1 रख के देख लो, 2.5 रख के देख लो नेगेटिव आ रहा है। तो ग्राफ या मॉडुलस विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। 3 से बड़े के लिए मॉडुलस कैसे खुलेगा? पॉजिटिव तरीके से। तो 3 से बड़े के लिए आप मॉडुलस को पॉजिटिव खोलोगे, दैट इज x माइनस 3, और रेड जोन में ये खुलेगा 3 माइनस x। ठीक है, अच्छा अभी खत्म नहीं, अरे यार फिर वही रखो तो पेशेंस। अभी 1 से पहले भी सोचना है अपने को। 1 से पहले तो ये बड़ा प्यारा सा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, क्वाड्रेटिक तो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो 1 से पहले इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अगर आप डिफाइन करना चाहते हो ना, तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो मेरी एक आदत है जो आपकी भी आदत बन जाएगी, कि सबसे पहले ना छोटा एक्स लिखा करो, छोटा मतलब लेफ्ट से राइट, तो जीरो से सॉरी माइनस इंफिनिटी से 1। तो अगर एक्स 1 से छोटा हुआ तो आपका फंक्शन ही क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक मतलब इसको एज इट इज छाप दूं, चलिए छाप देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाय 2 प्लस 13 बाय 4। अच्छा, अब अगर 1 से 3 अपना x रहा, और देखो 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 मेरी चालाकी का आपने अंदाजा नहीं लगाया, यहाँ पे डार्क यहाँ पे हॉलो, मैं हमेशा आपको कहते आ रहा हूँ, हमेशा लेफ्ट में अपन डार्क इंक्लूड करते और राइट में एक्सक्लूड करते। कहने का मतलब ये हो गया कि व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3, तब आपका फंक्शन 3 माइनस एक्स होगा, क्योंकि मॉड नेगेटिव खुलेगा इसलिए। और जब x 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा मतलब 3 पर देखो यहाँ पे डार्क है, तो 3 टू इन्फिनिटी। तो जब x होगा 3 से लेकर इन्फिनिटी, क्या मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख दू? दैट इज इनफ। ठीक है ना, आप लोग समझदार हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो आपका फंक्शन होगा x माइनस 3। फंक्शन डिफाइन हो गया बड़े आराम से, दिख रहा है आपको?
आराम से डिफाइन हो चुका है फंक्शन। नाउ वी विल कैलकुलेट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, ओरली कर सकते हो आप। आपको क्या करना है, देखो वन पे कंटिन्यूटी चेक करना है, वन पे डेरिवेबिलिटी चेक करना है, फिर थ्री पे कंटिन्यूटी और थ्री पे डेरिवेबिलिटी। तो अपन सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए एट एक्स इज इक्वल टू वन, है ना, एक्स इज इक्वल टू वन पे अपन सबसे पहले चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो चेकिंग कंटिन्यूटी और चेकिंग डेरिवेबिलिटी, ठीक है। तो वन पे अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे और वन पे डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। पहले कंटिन्यूटी, मान लो ये डिसकंटिन्यूस आ गया तो नॉन डेरिवेबल तो होगा ही होगा, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कंटिन्यूटी चेक करते वन पे, देखो वन के पहले, इधर देखिए वन के पहले आप क्या आंसर पाएंगे, मतलब यहाँ पे x लेस देन वन चलेगा, ये वाला ब्रांच लेस देन वन मतलब वन माइनस एच रखना है, तो हर जगह वन माइनस एच रखोगे। वन माइनस एच रखो या वन ही रख डालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है, तो डायरेक्ट वन रख दो। तो वन बाय फोर माइनस थ्री बाय टू, प्लस 13 बाय 4, इज दैट ओके? बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा, 4, 1 माइनस 6 प्लस 13, 13 माइनस 6 हो जाएगा 7, 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, 8 बाय 2 हो जाएगा 2, चलेगा 2 आएगा, थैंक्स। तो ये मैंने, अच्छा रुको रुको, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, दिस इज LHL, RHL भी निकालना पड़ेगा, और फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू मतलब वन पे आंसर 2 आ रहा है, और 1 के थोड़ा सा बाद भी आंसर 2 आएगा। तो RHL भी अपने पास क्या आ रहा है, RHL भी आ रहा है अपने पास 2, और एफ ऑफ 1 भी आ रहा है 2। तो बहुत खुशी की बात है कि 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, इट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे अपन, डेरिवेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। डेरिवेबिलिटी क्या कहती है कि आप LHD और RHD निकाल लीजिए। तो LHD मतलब समझते हैं ना आप लोग क्या है, एफ डैश ऑफ वन माइनस, और RHD मतलब क्या होता है, एफ डैश ऑफ वन प्लस। तो एफ डैश ऑफ वन माइनस, इधर देखिए वन माइनस मतलब वन से पहले, इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है क्योंकि सिंपल सा क्वाड्रेटिक कर दूं। तो देखो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और बाय 4 है तो 2x बाय 4। आर्या एकदम सही, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, आपका आंसर सही है। अनाउंस नहीं करूंगा अभी, थोड़ी देर बाद, लेकिन सही है। तो अब एफ डैश वन माइनस, वन माइनस मतलब ये डिफरेंशिएशन आता है ना आपको, हाँ, 3 बाय 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव आएगा 3 बाय 2, और 13 बाय 4 प्लस 0, यहाँ पे 1 रखेंगे अपन तो कितना आएगा, हाफ माइनस 3 बाय 2, तो आ जाएगा -1। अच्छा 1 प्लस डालते हैं, पर यहाँ पे डालेंगे, अच्छा 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 या -1 आएगा, बस खत्म। अरे यार 3 का डेरिवेटिव 0 और -x का डेरिवेटिव -1, तो अपन कुछ भी पुट करो -1 ही आने वाला है। तो डेरिवेबल भी है, ऑप्शंस दिखाओ ना। तो डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3 पर, ठीक है। नाउ एट x इज इक्वल टू 3, मेरे साथ साथ लिखिए प्लीज, पीछे मत हो जाना गलती से भी। सही है अमर, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। x इज इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, तो सबसे पहले कंटिन्यूस देख लेते हैं। तो कंटिन्यूस, चेकिंग कंटिन्यूटी, ठीक है, चेकिंग कंटिन्यूटी, 3 पर कंटिन्यूटी, इधर देखो, हाँ 3 से पहले अपन देखेंगे 3 माइनस 3 0, क्लियर है, LHL 0। अरे यार कर रहे हो ना फॉलो, नहीं फॉलो कर पाए तो बताना मुझे। 3 के बाद देखेंगे तो भी 3 माइनस 3 0, 3 पर भी 0, तो 3 के पहले LHL 0, RHL 0 और f ऑफ 3 भी 0, तो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अब आ जाइए डेरिवेबिलिटी, चेकिंग डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3, चेकिंग डेरिवेबिलिटी। तो डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे अपन 3 पर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि 3 का तो 0 आ जाएगा, x का माइनस, x का -1 आ जाएगा। तो LHD दिस विल बी -1, RHD आ जाएगा कितना, +1, तो नॉट डेरिवेबल है, एफ डैश 3 प्लस प्लस 1 आ जाएगा बेसिकली, तो वो दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर नॉट डेरिवेबल। काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है ना कि मॉडुलस देख के बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, वो सब नहीं करना है अपने को। आराम से आप सिस्टमैटिक तरीके से लेफ्ट टू राइट जाओ, बस क्या करना है, ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट,
ये लिख लो चाहे तो, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इतनी गलतियां करते हैं ना, ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन, ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। हाँ आप कॉपी कर लो इसको, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो रोने मत लग जाना, काफी पेशेंस लगेगा इस क्वेश्चन में अपने को। सर 1 मिनट ऊपर लो ना प्लीज। अरे यार 1 मिनट क्या, 2 मिनट ले लो, ये लो। हो गया सर, हो गया। क्वेश्चन कल आपका मॉक टेस्ट है क्या, कोई भी बच्चा मुझे बताइए, इज देयर मॉक टेस्ट? नो, कल मस्ती करो, ठीक है, बहुत पहले ही मैंने बता दिया था, एक डे ऑफ टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट है केमिस्ट्री का, दे दो कोई दिक्कत नहीं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 का अंडर रूट इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन -1, और यहां पे दिया है कॉस ऑफ मॉड एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। आई होप आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर लगा होगा, थोड़ा सा लगना भी चाहिए। अच्छा यहां पे क्या बोला है आपको कि वेयर कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, अब करना क्या है, चेक डिफरेंशियबिलिटी इन इन द इंटरवल एक्स बिलोंगिंग टू -1 से लेकर 2, सही है, कर पाओगे? थोड़ा सा सोचो और स्ट्रगल करो, आपको पता तो चलना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, 2 मिनट सोच कर देखो। अभी सुनो ध्यान से, है ना, ये क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे दिया इसने, सब कुछ का मतलब समझते हो? देखो ध्यान से, पहली बात तो इस क्वेश्चन में आपको मॉड एक्स भी है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी है, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फिर कॉस है, फिर ये अंडर रूट है, ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन अपन इसको देखो कितने आराम से डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, सिस्टमैटिक, मेरा एक ही वर्ड होता है हमेशा, सिस्टमैटिक। जैसे कि यहां पर मैंने क्या लिखा है आपको, ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि नंबर लाइन में हमेशा लेफ्ट टू राइट जाइए। दूसरी बात, यहाँ पे क्या दे रखा है, अंडर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, सॉरी हाँ ये वाले जो क्वाड्रेटिक है इसका अंडर रूट है। अच्छा इसको फैक्टराइज करो, कोई भी, एनीवन, यू कैन फैक्टराइज इट, राइट, तो इसका फैक्टराइजेशन ना, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है 2x-3 का, 2x-3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 2x-3 के स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, एनीवन इन दिस क्लास, 2x-3 के स्क्वायर का अंडर रूट mod 2x-3, ठीक है, चलो यार आप लोग बड़े हो गए हो, मॉड लगाने लगे हो, ठीक है, तो मॉड ऑफ 2x-3 जरूर आएगा, तो अपना फंक्शन जो है ना वो अब ऐसा हो गया कि मॉड 2x-3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, अब मॉड आ गया है तो डेफिनेशन तो बिल्कुल अपने को डिफाइन करनी ही पड़ेगी, तो मैं फंक्शन को दोबारा लिखने वाला हूँ, आई विल राइट द फंक्शन अगेन इन द सॉल्यूशन,
सामने देखिएगा। अच्छा आज का लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, है ना? आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, बट कर लेना, है ना? क्योंकि अपना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा फिर। मैं कोशिश करूंगा कि ना हो, बिल्कुल मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। 2x-3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन गया ये, कब? जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई x, सुनो, पहली बात तो लिखो मत, मत लिखो, आपको माइनस वन से टू में देखना है, नंबर लाइन बनाइए। सिस्टमेटिक नहीं चलोगे तो एकदम आप हमेशा फंस जाओगे यार, खिचड़ी दिमाग नहीं बनाना है अपने को। माइनस वन से लेकर टू के बीच में सोचना है, ठीक है? तो हम लोग है ना माइनस वन, अब ये क्या बोल रहा है, वन से छोटा, और ये कह रहा है वन से बड़ा, मतलब वन पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्रेक पॉइंट टाइप का आ रहा होगा, मानते हो इस बात को? वन पर एक ब्रेक पॉइंट जैसा कुछ ना कुछ बन रहा होगा, तो यहां कहीं वन आएगा। तो हमको क्या बोला है कि वन से छोटा और वन से बड़ा, तो वन से छोटा वाला जो इंटरवल है वो लेफ्ट मोस्ट आ रहा है ना नंबर लाइन पे, वन से छोटा वाला। आपको वन से छोटा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा माइनस इंफिनिटी तक भाग जाओ, आपको जब क्वेश्चन बोला है कि माइनस वन से टू के बीच में रहना है, और यहां पर बोला है कि वन से छोटा, तो वन से कितना, कहां तक छोटा? माइनस वन तक, वन से माइनस वन तक। और हाँ, फिर वन से बड़ा भी बोला है, तो वन से बड़ा जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जोर जोश में प्लस इंफिनिटी तक भाग जाओ। यहाँ पर लिमिट सेट करा हुआ है कि भाई टू से आगे मत निकल जाना, तो हाँ ठीक है, वन से टू के बीच में हम लोग सोचेंगे। अच्छा, टू पर भी क्लोज इंटरवल है कि आप, तो यहाँ पर भी अपन एक वो लगा देंगे। लेकिन ना मैं आपको एक चीज बताऊं, सुनो सुनो सुनो, ये चीज आपको और वाइज बनाएगी। देखो मैंने क्या करा, वन को इंक्लूड करा है, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं टू को एक्सक्लूड करूं, और फिर टू को दोबारा इंक्लूड करेंगे ऐसे अलग से। ये तरीका होता है, ऑलवेज लेफ्ट इंक्लूड राइट एक्सक्लूड, लेफ्ट इंक्लूड राइट एक्सक्लूड। लेकिन यहाँ पे टू को भी इंक्लूड करना है, कोई बात नहीं, टू को अपन अलग से अटेंशन दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है? क्लियर है ना? कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, अभी अपन उतने आगे पहुंचे भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन माइनस वन से वन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो है ना, मैं क्या चाहता हूँ कि ये वन से छोटा वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसको मैं पहले लिखूँ नंबर लाइन में, ये पहले आ रहा है तो इसको पहले लिखा जाएगा। सॉरी, इसको मिटाना पड़ेगा ना, इसको मिटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई टू इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सॉरी, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और दिस इज फॉर एक्स लेस देन वन, ये एक्स लेस देन वन के लिए। लेकिन हमको पता है कि वन से कहां तक जाना है, माइनस वन तक। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? देखो देखो देखो, लेस देन वन तो है, लेकिन पीछे अपने को माइनस वन पे रुकना है, माइनस वन पे रुक गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा, वन से बड़ा ये वाला फंक्शन है अभी, 2x-3 का मॉड इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा सुनो, वन से बड़ा है माना मैंने, ग्रेटर देन वन है, लेकिन कहां तक? टू तक। हाँ वो करेंगे अपन, अभी तो मैंने फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन करा है, आप जो बोल रहे हो मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अच्छा सुनो सुनो, मेरी बात सुनो आप, ये टू तक जाना है अपने को, लेकिन टू भी अपने को इंक्लूड करना है, वी हैव टू इंक्लूड टू। यहाँ पे मैंने टू को अलग से डॉट बनाया है, तो आपको करना क्या रहेगा कि x इज इक्वल टू टू को अलग से लिखना पड़ेगा। आप चाहे तो अलग से लिख दो, लेकिन टू, x इज इक्वल टू टू, टू पर फंक्शन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर x वन से बड़ा है तो फंक्शन ये वाली परिभाषा फॉलो करेगा। तो अभी अपन फिलहाल के लिए टू को यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि सेम परिभाषा आएगी, ठीक है, सेम परिभाषा आएगी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं मॉडुलस को, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, और ये मॉडुलस एक्स को, सबको अच्छे से डिफाइन करूँ, ठीक है? अपने को सोचना कहां से कहां है, माइनस वन से लेके टू के बीच में सोचना है, ठीक है? तो माइनस वन से टू के बीच में कैसे सोचेंगे, नंबर लाइन को फिर से बनाया जाएगा। ये पॉइंट है आपका माइनस वन, ये पॉइंट है आपका प्लस टू, ठीक है? अच्छा ये देखिए फ्रैक्शनल पार्ट है, ये है मॉडुलस, मॉडुलस तो अपने को आता है, चलो वो अपन मैनेज कर लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट हमको थोड़ा सा दिक्कत देगा, ठीक है, थोड़ी सी और स्पेस लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं। क्या आप लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ याद है? क्यों नहीं, बिल्कुल याद होगा, आराम से, है ना, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं, ये क्वेश्चन अपने आप 15 मिनट लेगा अपना, ठीक है? जल्दी हो गया तो समझ जाना, आप लोग समझदार हो, जल्दी समझ गए, ठीक है? ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, पीछे भी आएगा, पॉइंट्स बताएंगे, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आएगा, एक्स प्लस वन, ये होता है x माइनस वन, ये होता है x माइनस टू, ये होता है x माइनस थ्री, एंड सो ऑन। खैर हमको ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की परिभाषा चेंज होती है हर इंटीग्रल पॉइंट पे, मतलब माइनस वन से जीरो के बीच में ये x प्लस वन बन जाता है,
जीरो से वन के बीच में ये एक्स माइनस वन बन जाता है एंड सो ऑन, ऐसे अपन सोच सकते हैं। चलो ठीक है, तो हम अब डिफाइन करेंगे फंक्शन को। तो फ्रैक्शनल पार्ट के क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे? ऑल इंटीजर्स। अब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहां पर फंक्शन अपना रूप बदल लेता है। जैसे कि ये फ्रैक्शनल पार्ट कहां कहां रूप बदलेगा? हर इंटीग्रल पॉइंट पे। मॉड एक्स भी अपना रूप बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। कब? जीरो के पहले ये माइनस एक्स बन के खुलेगा, जीरो के बाद ये प्लस एक्स बन के खुलेगा। तो अपने को याद रखने सबके क्रिटिकल पॉइंट। हाँ विवेक बोलो। सर वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो से वन के बीच में वाई इक्वल्स एक्स होगा ना? एक्स होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, जो जोश में मैंने उसको एक्स माइनस वन लिख दिया, थैंक्स। एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू आएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अपने को सोचना है कहाँ से? माइनस वन से टू के बीच में। देखो आप, सुनो सुनो, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ माइनस वन से टू के बीच में आप देख रहे हो तीन बार शक्ल बदलने वाला है। तो तीनों बार कब कब शक्ल बदलेगा? उसके ब्रेक पॉइंट्स क्या है? उसके ब्रेक पॉइंट्स है एक बार माइनस वन से जीरो, फिर एक बार जीरो से वन, फिर एक बार वन से टू। तो हमको इस नंबर लाइन को तीन पार्ट में तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ये इंसान अपनी शक्ल बदल रहा है। तो हर इंटरवल में जहां जहां शक्ल बदली जा रही है उसको अपन ब्रेक करेंगे। तो आई विल ब्रेक दिस इंटरवल। ओके, नाउ लेट मी जस्ट ब्रेक दिस इंटरवल। माइनस वन से जीरो में हम ब्रेक करेंगे, फिर जीरो से वन में हम ब्रेक करेंगे, और फिर वन से टू में ब्रेक करेंगे। थोड़ा अच्छे से करता हूँ। माइनस वन से जीरो, फिर जीरो से वन, फिर वन से टू, ऐसे तीन बार अपन ब्रेक करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए बढ़िया। तो अपने को ऐसे तीन इंटरवल में ब्रेक करना रहेगा। ओके नाइस, कर दे, कर देते। चलिए तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माइनस वन से वन को निपटा देते। माइनस वन से वन के बीच में ये कॉस ऑफ कुछ कुछ लफड़ा चल रहा है। माइनस वन से वन, ये है माइनस वन से वन, ये इस लाइन के बाद का अपन अभी नहीं सोच रहे, इसके पहले का सोच रहे। इज दैट ओके? तो अपन माइनस वन से वन पहले सुलटा देते। तो देखिए ये रहा फंक्शन आपका, और फंक्शन ने क्या परिभाषा ली है वो अपन अभी देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा? माइनस वन से वन, लेकिन अपन समझ गए कि इसको और तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई फ्रैक्शनल पार्ट के नखरे है ना यार, ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं जीरो के पहले बदल जाऊंगा, जीरो के बाद भी बदल जाऊंगा, और माइनस वन से टू के बीच में भी बदल जाऊंगा। हमने बोला कोई बात नहीं भाई, तेरे को हमें ना अलग से डिफाइन कर देते। माइनस वन से जीरो अभी एक्स लेंगे अगर अपन, तो एक्स बिलोंग्स टू। ऑलवेज प्रोटोकॉल क्या होता है? लेफ्ट पे स्क्वेयर, राइट पे ओपन। माइनस वन से जीरो आप ऐसे चलेंगे, जिंदगी में हमेशा सुखी रहेंगे। अब बताइए इस बीच में फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वन। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बनेगा एक्स प्लस वन, और मॉडुलस एक्स क्या बन जाएगा? कोई भी बच्चा मुझे बताए, माइनस वन से जीरो के बीच में मॉड कैसे खुलेगा? क्या माइनस एक्स? माइनस एक्स बन के खुलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा देखेंगे अपन, कॉस ऑफ पाई बाई टू इंटू मॉड एक्स बन जाएगा माइनस एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वन। तो माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस वन आएगा तो वो माइनस वन हो जाएगा, समझ रहे ना? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टू एक्स प्लस वन। क्या मैं डायरेक्टली माइनस टू एक्स प्लस वन लिख दूं? ठीक है, मैं डायरेक्टली 2x प्लस 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर दो दो बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं रफ में लिख के आपको समझा दूंगा अभी। तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा? कॉस ऑफ पाई बाई टू इंटू माइनस ऑफ 2x माइनस 1। रुको जरा, सबर करो, बता रहा हूँ। हमने क्या करा है कि माइनस 1 से 0 के बीच में मॉड तो भाई डेफिनेटली नेगेटिव, नंबर नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन के साथ, और फ्रैक्शनल पार्ट कैसे खुलेगा? x प्लस 1 बन के, उसकी परिभाषा ही ऐसी होती है। तो यहाँ पर ये माइनस x बन के खुलेगा, और ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वन बन के खुलेगा। कर लो, माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वन आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये ऐसा हो गया अपने लिए। फिर अपन जीरो से वन के बीच में आएंगे, फॉलो द प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं अपन? लेफ्ट पे क्लोज और राइट पे ओपन। तो जीरो से वन के बीच में आप मॉड कैसे खुलेगा बताइए? मॉड विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन और पॉजिटिव, दिस टाइम विद अ पॉजिटिव, दैट इज एक्स एज इट इज। और ये वाला जो GIF है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये भी x बन के खुलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x, यहाँ पे भी आ जाएगा x, x माइनस x विल बी जीरो, कॉस ऑफ जीरो कितना होता है? वन। तो यहाँ पर आपका आंसर डायरेक्टली वन आ जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन है जीरो से वन के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर अगला पॉइंट रहेगा अपना वन से लेकर टू। अभी अपना काम हो गया, बस वन तक ही था ना। अरे ये वाला जो फंक्शन था, ये जो कॉस ऑफ लफड़ा है वो वन तक था बस, अब भूल जाओ। वन के बाद ये वाली ब्रांच पे आ जाएंगे अपन, परिभाषा चेंज हो जाएगी। कोई बात नहीं, वन से टू के बीच में, वन से टू के बीच में इसके नखरे है फ्रैक्शनल पार्ट के, लेकिन अब इसके भी नखरे आ गए। ठीक है, यहाँ पे एक और मैडम आ गई, ये बोल रही है कि भाई 2x माइनस 3 जो है ना, मेरे भी नखरे। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेक पॉइंट है। कोई मुझे इसका ब्रेक पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट बताएगा? ये वाला मॉड कहाँ पर अपनी रंग बदलेगा? 3/2 पे ये रंग बदलेगा। 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 यहाँ पे कहीं बीचों बीच आने वाला है, एकदम सेंटर में आएगा एग्जैक्टली।
तो 1.5 से पहले मॉड अपना रंग बदलेगा, 1.5 के बाद भी मॉड अपना रंग बदलेगा। अभी यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 रहेगा, ठीक है, 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 रहेगा। तो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट तो फिक्स है, बस मॉड अपना रंग बदलेगा। तो अपने को अभी और फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, 1 से 1.5, 1.5 से 2, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 1.5। अब देखो प्रोटोकॉल ऑलवेज सेज कि लेफ्ट पे क्लोज राइट पे ओपन, आप कभी भी दुखी नहीं होने वाले। तो 1 से 1.5 के बीच में मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव सोचो। 1 डाल देते ना, 1 डाल दो तो 2 माइनस 3 कितना हो रहा है, माइनस 3, माइनस 1 नेगेटिव, समझ आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो 2x माइनस 3 बन जाएगा 3 माइनस 2x, तो दिस विल बिकम 3 माइनस 2x। और सुनो तो यार, अच्छा 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट तो अभी x माइनस 1 ही रहेगा, तो दिस विल बी x माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 1 फॉर 1 टू 1.5। लिखो यहां तक, ठीक है। अभी ये वो वाले टाइप के क्वेश्चन है, जब टीचर समझाएगा ना तो बड़ा आसान लगेगा। अभी सेम क्वेश्चन आप खुद से करने बैठ जाओगे तो देखना कितनी गलतियां करोगे, इसलिए सुन लो अभी सिस्टमैटिक। 1.5 से 2 भी जाना है तो प्रोटोकॉल क्या कहता है, प्रोटोकॉल ये कहता है कि भाई 1.5 पे क्लोज रखेंगे और 2 पे ओपन, ठीक है। तो 1.5 से 2 के बीच में अभी मॉड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव खुलेगा डेफिनेटली, तो मॉड बन जाएगा 2x माइनस 3, और ये तो x माइनस 1 रहेगा ही, तो 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, ठीक है। हाँ अब बचा कौन है, 2 बच गया यार, यहाँ पे 2 भी इंक्लूड करना है, कोई बात नहीं, हमने अपना प्रोटोकॉल फॉलो करा, इस वजह से यहाँ पर अपन ने 2 पे क्लोज नहीं लगाया, तो अपन 2 को अलग से लिखेंगे। यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 2 को अलग से लिख दो, कोई बात नहीं, आप 2 को डाल के देखिए इधर, यहाँ पर आप 2 डालकर देखेंगे तो क्या आ रहा है अपने पास, 2 2 4, वन से बड़ा है ना, तो 2x माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, 4 माइनस 3 1 होता है ना, 1 का मॉड 1 आएगा, और यहाँ पे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लास का कोई भी बच्चा मेरे को अगर बता दे 2 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी, 0 आएगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं भाई, कहाँ से लिख दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, देख रहे हो कितना अपना मतलब जो प्रोटोकॉल फॉलो करो उससे पता चला कि भाई 2 पे कुछ और हो रहा था, वरना आपको पता ही नहीं चलता कि 2 को अलग से लिखना है। ये अपन ने अभी फंक्शन को डिफाइन करा है पार्ट बाय पार्ट, पीस बाय पीस, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से गणित को सॉल्व करना। अब आप मेरे से कुछ भी करवा दो, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, जो चेक करवाना है करवा लो, आप मेरे से बोल दो कि ग्राफ बना दो, मैं सच बता रहा हूँ ग्राफ बना दूंगा इसका, हालांकि ग्राफ का कोई बोल नहीं रहा है, बट अब अपन कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी आराम से चेक कर सकते हैं। दिस इज द फंक्शन, इसको आप लिख लो पहले, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी तो कोई भी चेक कर लेगा, ठीक है। ऑलवेज गो लेफ्ट टू राइट, कौन कौन से फंक्शन के नखरे हैं उनको ध्यान में रखो, उनके नखरे ध्यान में रखो, और फिर उसको आराम से डिफाइन करो। तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, माइनस वन से जीरो। आप एक बार सिर्फ वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला बताता ना सर, वो ग्रीन वाला आपने जो किया है, ये वाला, हाँ सर ग्रीन पार्ट वाला, ये दोनों ना, हाँ सर। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग तो भाई 1 से 2 करने वाले थे, लेकिन हमको पता चला कि एकदम से खबर आई कि ये मॉडुलस जो है ना वो 3/2 पे क्रिटिकल पॉइंट है उसका, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह 3/2 रखोगे ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, 3 माइनस 3 0 हो जा रहा है ना। तो मॉड जो है वो 3/2 के पहले और 3/2 के बाद साइन चेंज करेगा, 3/2 मतलब 1.5, मतलब आपको मैं अगर बताऊं 1.5 से छोटा नंबर आप यहाँ पे डालोगे, लेट अस से 1 डाला, तो 1 डालोगे तो 2 माइनस 3 आंसर नेगेटिव आया, और 1.5 से बड़ा नंबर डालोगे, 1.5 से बड़ा नंबर चलो 2 डाल के देख लो, तो 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 2 4, 4 माइनस 3 1, पॉजिटिव आया। तो मतलब 1.5 के अगल बगल या 1.5 के पहले और बाद में मॉडुलस अपना साइन चेंज कर रहा है, तो अपने को यहाँ पर है ना 1.5 को इंक्लूड करना पड़ा बीच में, एक और क्रिटिकल पॉइंट हमको जानबूझकर इंक्लूड करना पड़ा कि भाई ये 1.5 पर अपना साइन चेंज कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, आप 1 से 1.5 जाएंगे, ठीक है, और 1.5 से 2 जाएंगे, और फिर 2 को अलग से करेंगे, इसलिए अपन ने इसको 3 पार्ट पर ब्रेक करा है। फिर जब अपन ब्रेक करा तो पता चला कि यहाँ पर मॉड नेगेटिव खुल रहा है, तो 2x माइनस 3 नेगेटिव खुलेगा, मतलब 3 माइनस 2x बन के खुलेगा, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट भी तो है, तो सुनो अभी 1 से 2 के पूरे, इस 1 से 2 पूरे इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा x माइनस 1 रहेगा, चाहे आप ये पहला वाला इंटरवल लो चाहे दूसरा वाला लो, फ्रैक्शनल पार्ट तो ये अपन ने बना रखा है ना ग्राफ,
यहाँ से अपन ने देख के चीटिंग कर लिया, यहाँ से देख के हमने पता कर लिया कि 1 से 2 के बीच में ये हमेशा x माइनस 1 का रूल फॉलो कर रहा है, इनपुट माइनस 1। तो चाहे आप 1 से 1.5 लो या 1.5 से 2 लो, देखो दोनों बार मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस 1 और x माइनस 1 बना के खोला है, इनकी कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी सिर्फ मॉडुलस की। तो एक बार मॉडुलस नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव और फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज। अभी समझ में आया आपको? हाँ सर, और वो फ्रैक्शनल पार्ट 2 पे 0 आ रहा था इसलिए फिर आपने 2 का अलग सा बना दिया। हाँ, 2 का अलग से बनाया। एक्चुअली क्या करा ना, मैंने आपको एक रूल बताया था कि लेफ्ट पे क्लोज राइट पे ओपन, वो फॉलो करते गए तो पता चला कि यार 2 को हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते, तो हमने 2 को अलग से लिया, और 2 को अलग से लिया तो पता चला कि आंसर 0 आ रहा है। गलती से आप अगर ये रूल नहीं जानते तो आप ऐसे बोलते चलो 2 को इंक्लूड कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो आपको पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट 2 पे गड़बड़ हो रहा है। अभी पता चल गया कि एग्जैक्ट 2 पे 0 आ रहा है, तो इसीलिए। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा ना कि अगर कोई भी आम आदमी देखता तो 2 पे पकड़ नहीं पाता कि 0 आंसर आएगा, मिस हो जाता, वो दिमाग से मिस हो जाता। आप रूल फॉलो करोगे तो मिस नहीं होगा। चलिए, ये आपका फंक्शनल डेफिनेशन हो गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज द फंक्शनल डेफिनेशन। नाउ आई विल मेक अ टेबल, पॉइंट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। आपको पॉइंट्स लिखने, कंटिन्यूटी लिखना, डेरिवेबिलिटी लिखना। लिखिए पॉइंट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेबल बना देते हैं, सो दैट आपको कौन से पॉइंट पे चेक करने का बोला है इसमें, पूरे इंटरवल में चेक करना है आपको, पूरे माइनस वन से टू में चेक करना है। कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखो, सुनो मेरी बात, सामने देखिए, अभी फंक्शन को अपन ने मस्त तोड़ दिया है, अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब आपको पता है कि जितने भी ब्रेक पॉइंट्स है, जैसे 0 पे टूटा एक बार, फिर एक बार 1.5 पे टूटा है, फिर एक बार 2 पे टूटा है, ये सारे पॉइंट पे हमारा शक जाएगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे हमारा शक जा रहा है। तो सबसे पहले अपन पॉइंट क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0, मैं ब्लू कलर की इंक से लिखूंगा, या चलो पिंक से लिख देते हैं, हम लेंगे x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी, फिर 1 पे टूटा है तो x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, फिर 1.5 पे टूटा है तो x इज इक्वल टू 1.5 पे कंटिन्यूटी भी है और डेरिवेबिलिटी भी चेक करेंगे, फिर x इज इक्वल टू 2 पर भी ब्रेक हुआ है तो 2 पर भी अपन लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि 2 के बाद तो अपना फंक्शन होता ही नहीं कुछ, तो राइट तो चेक नहीं कर पाओगे बट लेफ्ट जरूर कर लेंगे, एक तरफा कंटिन्यूटी और एक तरफा डेरिवेबिलिटी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से अब सुनो, ये माइनस 1 से कहानी चालू हो रही है, माइनस 1 से कहानी ऐसे स्टार्ट हो रही है 0 तक, तो माइनस 1 से 0 पर भी अपन 0 पर ही शक कर रहे हैं, इसके पहले अपन शक नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इसके पहले कॉस फंक्शन, कॉस के अंदर आप कुछ भी कचरा डाल दो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, अनलेस अंटिल वो कचरा कोई ऐसा उठपटांग नहीं। अगर आपने कॉस के अंदर 1/x डाल दिया तो फिर तो भाई वो 0 पे ब्रेक हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे अपन ने कॉस के अंदर कुछ भी डाल दिया तो कॉस साइन ऐसे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं लाइक दैट। तो कॉस 1 के पहले तो कंटिन्यूस होगा, 0 पर चेक करते हैं, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिए, 0 पे LHL और RHL निकालिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यार बारीकी वाला काम है, ठीक है, इसमें पेशेंस नहीं होता बच्चों के पास। 0 डालूं यहाँ पे, पक्का डालो यहाँ पे 0, तो माइनस 1 आ गया। अरे 2 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू पाई बाय 2 कॉस माइनस पाई बाय 2, कॉस माइनस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट तो साफ साफ 1 है, तो LHL RHL बराबर ही नहीं और फंक्शन वैल्यू भी बराबर नहीं, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूस। तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डेरिवेबल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कर लोगे बाकी सारा, 1 पे चेक करते हैं, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कांस्टेंट फंक्शन है तो 1 ही होगा, LHL 1 होगा, राइट हैंड लिमिट देखेंगे अगर अपन 1 पे तो डाल के देखो यार यहाँ पे 1, 3 माइनस 2 1 आएगा, फिर 1 माइनस 1 0, 0 ही आ गया, तो LHL RHL बराबर नहीं है तो इट इज नॉट कंटिन्यूस। अगर 1 पे कंटिन्यूस नहीं है तो डेरिवेबिलिटी की तो बात ही नहीं आती, नॉट कंटिन्यूस नॉट डेरिवेबल, कोई तकलीफ? आगे बढ़ते, अब आपसे कुछ भी पूछ ले यहाँ पे सब आप बता दोगे आराम से। 1.5 पे, 1.5 के पहले मतलब 1.5 माइनस एच, डायरेक्ट 1.5 रख दो ना, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म थोड़ी बन रहा है कि अपन एच रखेंगे, आप 1.5 रख दो डायरेक्टली, यहाँ पे डेढ़ रखोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 0, लगभग 0 मतलब ये LHL 0 आ गया 1.5 पे, और RHL कितना आ जाएगा 1.5 पे, यहाँ पे रखो डेढ़ रखोगे फिर से 0। ओके चलो, पहली बार अपना कोई फंक्शन अभी कंटिन्यूस आया है और एग्जैक्ट 1.5 पर भी 0, तो एफ ऑफ 1.5 भी 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, है ना। अब अगर कंटिन्यूस हो गया तो इसकी डेरिवेबिलिटी अपने को चेक करनी पड़ेगी, दिस इज कंटिन्यूस तो डेरिवेबिलिटी अभी करते हैं चेक, है ना, इसको होल्ड पे रखते हैं।
पहले अपन फ्लो से सारी कंटिन्यूटी टू पर भी चेक कर लो। तो टू पर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और टू पर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि राइट में फंक्शन ही नहीं। तो एल एच एल निकालेंगे टू पर, यहाँ पे टू डाले, दो दूनी चार, चार माइनस तीन एक, यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस वन एक, वन इंटू वन वन, तो एल एच एल वन आ जाएगा और यहाँ पे आर एच एल जीरो है, तो टू पर फंक्शन जो है दैट इज डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस है तो नॉट डेरिवेबल होगा ही होगा। तो इधर अपने को बस अब चेक करना है डेरिवेबिलिटी। तो डेरिवेबिलिटी अगर अपन चेक करेंगे कहाँ पे, 1.5 पे, तो 1.5 पर ये है फंक्शन और ये है फंक्शन। यार मेहनत का काम है थोड़ा, क्या क्या करूँगा मैं, देखो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है ना। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, चलो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 कितना आ गया, 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3। और मैं आपको बताऊं ऊपर भी सेम आएगा बट विथ अ नेगेटिव साइन, तो माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 2x है, बस एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो खटाखट, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, LHL LHD माइनस 4x प्लस 5, तो माइनस 4x प्लस 5, इसमें अपने को डेढ़ 1.5 डालना है, तो 1.5 डाल देंगे। RHD कितना आ जाएगा, 4x माइनस 5, 1.5 इधर भी डालना है, और दूर से ही दिख रहा है ना कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे, इक्वल तो हो ही नहीं पाएंगे, तो ये जो भी आएगा, ये लफड़ा आया तो ये माइनस लफड़ा आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो कैलकुलेट, समझदार बच्चा अगर IIT का एग्जाम दे रहा है तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करेगा, बोलेगा कि बस समझ गया अपन कि इक्वल तो हो नहीं सकते इसलिए नॉट डेरिवेबल, बट कर लेते हैं अपन। चलो 1.5 डालो, 3/2, 3/2 मतलब 3 into 2 6 माइनस माइनस 1 प्लस 1, दिस इज नॉट डेरिवेबल, दिस इज नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल अगेन। तो एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बाकी सब पे नॉट डेरिवेबल है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये पूरे, आप इससे जितने भी डिफिकल्ट, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता डेरिवेबिलिटी में। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो अपन देख सकते हैं। मजा आया चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए यार, है ना। मेरे को बड़ा डर लगता है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन समझाने में, सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है कि पता नहीं कौन बच्चा कब पागल हो जाए, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आएगा आपको। सर तोते उड़ गए ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना, एज ए स्टूडेंट मेरे को भी एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाया गया था, तो आई स्टिल रिमेम्बर, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं घर पे आके पूरा सॉल्व करता था। सीटी में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, डोंट वरी, कतई नहीं आएंगे सीटी में, तो मतलब पूछ ही नहीं सकता आपसे ऐसे क्वेश्चन, दे हैव नो राइट कि आपसे इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछ सके। खैर मैंने आपको वार्निंग दे दिया था कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मुश्किल है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना माइंड सेट सेट किया होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। ये मतलब करवाऊंगा बट होमवर्क में, ठीक है आप ट्राई करो। सर ये टाइप के क्वेश्चन और कहाँ से कर सकते हैं, सिंगेज उठा डालो, सिंगेज और ढूंढ लो उसमें से, आप है ना लेवल वन, लेवल वन पूरा इसी से भरा पड़ा होगा, बिल्कुल आपको करना है कर लो। लेकिन अपना जो कोचिंग का मॉड्यूल है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, कंटिन्यूटी में तो मिले ही होंगे और डेरिवेबिलिटी में भी मिलेंगे। ओके, इन्वेस्टिगेट द कॉम्पोजिट फंक्शंस, इन्वेस्टिगेट द कॉम्पोजिट फंक्शंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक मिनट सर, ये सिंगेज के लेवल वन के इक्वल है। देखो जिसने सिंगेज सॉल्व किया उसको पता तो चल गया होगा कि उसका लेवल वन भी अच्छा खासा लेवल का है, एडवांस के लेवल का होता है पूरा लेवल वन, ठीक है। और लेवल टू में तो फिर क्या होता है, टाइप बदल जाता है, ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन का लेवल ऊपर जाएगा, टाइप बदल जाएगा, मोर देन वन करेक्ट, कॉम्प्रहेंशन टाइप, मैच द कॉलम, वो सारे देगा वो। चेक फॉर कंटिन्यूटी, तो सिंगेज का लेवल वन बहुत अच्छा लेवल है एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना एक बार।
मैं आपको एक करा देता हूँ इसका पार्ट, फॉग करा देता हूँ, गॉफ आप खुद से कर लेना, क्योंकि यार एक बच्चे ने मेरे पे ना व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया था कॉम्पोजिट फंक्शन का, मैं करा देता हूँ। मॉड्यूल के डेरिवेबिलिटी में एमओडी है मोस्टली, हाँ वो मेरे को पता है, वो मेरे को पता है। फॉग बनाते हैं अपन इसका, एफ ऑफ एक्स है सिग्नम ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। हमने डबल लिमिट पढ़ा है, हाँ पढ़ाया ना मैंने आपको डबल लिमिट, आपने एक बार मेरे को डाउट भेजा था, मेरे को याद है अच्छे से, तो उसको अपन बिल्ट इन लिमिट कहते हैं। अभी अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक बार देख लूँगा, ठीक है, उसी को कहते हैं बिल्ट इन लिमिट को ही डबल लिमिट कहते हैं। पहले आप अंदर का सॉल्व कर लो, फिर बाहर का कर लो, या दोनों को एक साथ कर लो। उसमें अपन वन की कैरेक्टरिस्टिक का फायदा उठाते, अगर वहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है वन की पावर इन्फिनिटी जैसा, तो अपन वन प्लस वन माइनस पे उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। अच्छा फॉग एक्स आपको निकालना है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक अपन फॉग कर लेते हैं, गॉफ आप खुद से कर लेना, ठीक है, ट्राई करना जरूर, और कल मेरे से पूछना अगर नहीं बनता है तो। रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज इट। अब देखो सिग्नम के अंदर क्या है, सिग्नम के अंदर ये लड्डू, और ये वाला जो लड्डू है अपने को पता नहीं कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, तो इस लड्डू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं अपन। एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो आपकी घर की काम वाली बाई से इसका ग्राफ बना सकते हो, वो बोलेगी कि साहब कितना आसान है, एक रूट जीरो और एक रूट वन माइनस वन, तो माइनस वन जीरो और प्लस वन, तो है ना कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, समझो इस चीज को, अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ छाप रहा हूं मैं, है ना। अच्छा अब अपने को पता है कि सिंगेज क्या देखता है, सॉरी सिंगेज बोल रहा हूँ, सिग्नम क्या देखता है, सिग्नम ये देखता है कि उसके अंदर वाला क्वांटिटी कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है, और कब कब जीरो है, उस हिसाब से वो डिफाइन होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप लोग अब आंख के अंदर थोड़ी आपको नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव कब कब रहेगा, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, सो वी नो दैट माइनस इंफिनिटी से लेकर, अच्छा ये वाला पॉजिटिव ग्राफ है और ये वाला नेगेटिव पोर्शन है ग्राफ का, दिस इज द नेगेटिव पोर्शन, यहां पर जो आपका सिग्नम फंक्शन है दैट विल गिव यू माइनस वन एज द आंसर, ओके। आप यहाँ पे पिंक वाले पे माइनस वन देगा और ग्रीन वाले पे प्लस वन देगा, और ये रेड वाले पॉइंट्स पर सिग्नम फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं ना, कितना ही टाइम लगेगा, ठीक है सर। राइट में ऊपर से स्टार्ट करते हैं ना, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट वेविकर, ये वेविकर नहीं है भाई, ये जी ऑफ एक्स है ना, जो जी ऑफ एक्स का एक्चुअल ग्राफ है ये, मैंने आपको एक्चुअल में समझाया नहीं, मेरी गलती है, ठीक है। मैंने आपको ये नहीं समझाया कि ग्राफ ऊपर से क्यों चालू होगा, ये नीचे से भी तो चालू हो सकता था, क्यूबिक, दिस इज अ क्यूबिक, ओके। मेरे को लगा आप लोग समझ जाएंगे, क्यूबिक है, और क्यूबिक में भी आप अगर देखेंगे तो नेगेटिव कोएफिशिएंट है, माइनस एक्स क्यूब है, मतलब अगर आप माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। चेक करो, यहाँ माइनस इन्फिनिटी डालो तो माइनस इन्फिनिटी इंटू वन माइनस, यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर आ जाएगा, तो वन माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी और एक और नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो क्यूबिक का ग्राफ जो है पाताल लोक से आकाश लोक जाता है या आकाश लोक से पाताल लोक जाता है, वो डिपेंड करता है कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। अभी लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो वो ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे खत्म करता है, खत्म तो नीचे ही करेगा, क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है। तो क्यूबिक में अगर नेगेटिव है तो हाँ, वो मैंने थोड़ा ग्रांटेड ले लिया, मेरे को लगा कि आप लोग अभी समझ जाएंगे, ठीक है, बट अच्छा वो आपने पूछ लिया, ठीक है। तो ग्राफ हमेशा हमेशा नहीं, मतलब यहाँ पर ऊपर से चालू करेगा, रूट्स हमको इसके साफ साफ नजर आ रहे बिकॉज यू कैन फैक्टराइज इट, वो भी मैंने करके नहीं दिया, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, जैसे ही फैक्टराइज करेंगे आपको दिख जाएगा कि अरे वाह तीन तीन फैक्टर, तीनों के जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो वन माइनस वन, उनको प्लॉट करो और ग्राफ बन जाएगा। ये वेविकर नहीं है। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जब जब होगा तब तब आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कब कब है, यहाँ पर और यहाँ पर, वो एक्स की वैल्यू क्या क्या है जिनके लिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो एक्स की वैल्यूज है देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन। तो अपन है ना क्या लिखेंगे, फॉग एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया। अब देखो इधर प्लीज, ये जो येलो वाला रीजन है
माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन, ये नंबर लाइन में सबसे पहले आ रहा है, तो मैं इसको सबसे पहले लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन, ओपन हमेशा लेफ्ट पे क्लोज, अभी मजबूरी थी इसलिए लेफ्ट पे क्लोज नहीं करा मैंने, ठीक है। यहां पर फंक्शन पॉजिटिव खुलेगा, यहां पर फंक्शन पॉजिटिव बनेगा और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर होता है प्लस वन, तो यहां पे आपका आंसर प्लस वन आएगा। एग्जैक्ट माइनस वन पे, एग्जैक्ट माइनस वन पे ये वाला रेड वाला जो पॉइंट है यहां पर सिग्नम जीरो हो जाएगा, तो आपको सिग्नम जीरो जीरो मिलेगा। फिर ये पिंक वाला पोर्शन जो है, पिंक वाला पोर्शन मतलब आप अगर नंबर लाइन पे देखोगे तो ये वाला दिस ब्लू वाला पोर्शन माइनस वन से जीरो, ओके। तो डोंट इंक्लूड द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्योंकि अपन उसको अलग से लिख चुके हैं, सिग्नम है, इस कारण थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा है, थोड़ा मैंने अपने ही प्रोटोकॉल को ब्रेक करा है क्योंकि सिग्नम है माइनस वन से जीरो। अच्छा, माइनस वन से जीरो में फंक्शन नेगेटिव है तो सिग्नम बनेगा माइनस वन, तो ये माइनस वन हो जाएगा। सुनो मेरी बात, ये अब फॉग एक्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और फिर अपन जीरो से वन पे देखेंगे तो फिर से येलो वाला जोन आ जाएगा क्योंकि यहां पर फंक्शन पॉजिटिव है। तो जीरो से वन में अगर आप देखोगे तो फंक्शन ग्रीन वाला मतलब पॉजिटिव है, ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज प्लस वन। तो ये जीरो से वन को ऐसे लिख लो एक्स बिलोंग्स, अच्छा रुको रुको रुको, एक्स इज इक्वल टू जीरो को आप ऐसे लिखो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो, क्यों लिखा मैंने अलग से, क्योंकि मेरे को पता है कि सिग्नम जो है वो जीरो होने पर जीरो हो जाता है, ओके। अच्छा, फिर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, जीरो से वन के बीच में सिग्नम हो जाएगा वन क्योंकि सिग्नम ऑफ पॉजिटिव, अंदर वाली क्वांटिटी जो है ना ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज वन। फिर अपन वन पे अलग से लिखेंगे तो x इज इक्वल टू वन पर आंसर जीरो आएगा। फिर वन के बाद वन से इन्फिनिटी मतलब ये वन से इन्फिनिटी पर आपको फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा, तो वन से इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू वन से लेकर इन्फिनिटी पर आंसर माइनस वन आएगा। हाँ बस, तो अब आप इसका ग्राफ आप सुनो, अरे ये जो फॉग एक्स है ना, इसका ग्राफ बनाने की जरूरत तो नहीं है, बट अगर आप मेरे पीछे पड़ जाओगे तो मैं ग्राफ बना के बता दूंगा, और ग्राफ से आप देख के, ग्राफ के बिना ही बता दोगे खैर आप, है ना, लेकिन ग्राफ देखकर आप एक अच्छा आइडिया ले पाओगे कि हाउ एक्चुअली दिस फंक्शन विल लुक लाइक। देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, फिर माइनस वन से लेकर जीरो, फिर जीरो से लेकर वन, फिर वन से लेकर इन्फिनिटी, ये तीन पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन पर ये एक्स इज इक्वल टू वन बनेगा, मतलब ऐसा, ठीक है। फिर माइनस वन पॉइंट पर ये जीरो हो जाएगा, तो यहां पर डार्क सर्कल आएगा। फिर माइनस वन से जीरो के बीच में माइनस वन हो जाएगा, मतलब ऐसा, फिर जीरो पर ये डार्क सर्कल दे देगा, ओके ओके। फिर जीरो से वन के बीच में ये वन हो जाएगा, फिर जीरो पर ये वन दे देगा, अच्छा जीरो पर, सॉरी वन पर ये जीरो दे देगा, और फिर वन से इन्फिनिटी पर ये माइनस वन हो जाएगा, ऐसा। दिस विल बी द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फॉग एक्स। अब आप समझदार हैं, जहां जहां टूट रहा है वहां वहां डिसकंटिन्यूस, वहां वहां नॉन डेरिवेबल, खत्म। सर ये ना कंटिन्यूस है ना डेरिवेबल है, हाँ ठीक है। सो इसका आप है ना गॉफ एक्स खुद से करना, गॉफ एक्स इज द होमवर्क, ठीक है। तो ये बना लो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। गॉफ एक्स आप खुद से करिएगा, आपको अगर डाउट आता है तो जरूर मेरे से पूछे, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें लिखवाऊंगा जो अगर मैं आपको नहीं भी लिखवाता तो भी आप समझ जाते। लिखिए इंपॉर्टेंट नोट्स। तो पहला नोट ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स, ओरली बोल के बता दो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर दोनों, ये भी डेरिवेबल ये भी डेरिवेबल, तो इनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चेंट सब डेरिवेबल, ठीक है। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर बोथ डेरिवेबल, अगर दोनों डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन then इनका सम मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एक ही बात है ना, सम और डिफरेंस एक ही बात है, प्रोडक्ट और क्वेशेंट, ये भी क्या होगा, विल बी डेरिवेबल।
will be derivable at x is equal to a. यहाँ पे लिख लेना कि g of a zero ना हो, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है. अगला पॉइंट ये है कि अगर इनमें से कोई एक डेरिवेबल है, मान लो कि f of x डेरिवेबल है, एंड g of x इज नॉट डेरिवेबल, g of x इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू a, तो फिर पता है आप सम और डिफरेंस तो डेफिनेटली नहीं होगा. f of x प्लस g of x या माइनस g of x विल नॉट बी डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू a, ठीक है. इस केस में अपन है ना, नथिंग कैन बी सेड अबाउट प्रोडक्ट एंड क्वेश्चेंट, ये तो अपने को पता है पहले से. नथिंग कैन बी सेड अबाउट प्रोडक्ट एंड क्वेश्चेंट फंक्शन. क्वेश्चेंट मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, और प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने लिखा नहीं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है. इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, अगर एक डेरिवेबल है दूसरा नहीं है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है. चलिए एग्जांपल वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, ये सब अंडरस्टैंडेबल, खुद से अपन समझ सकते हैं, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सारी चीजें. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये असर्शन रीजन में आ सकते हैं, ठीक है. अगर दोनों के दोनों निकम्मे हुए, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों नॉट डेरिवेबल है, तो फिर आप सम डिफरेंस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है. तो लिखिए देन इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर नॉन डेरिवेबल, इफ बोथ आर नॉट डेरिवेबल, देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चेंट फंक्शन, ठीक है. एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, अभी कुछ भी हो सकता है ना, ये तो मैं आपको उस समय लिमिट्स में भी बता चुका हूं, डेरिवेबिलिटी में भी बता चुका हूं, मतलब अभी बता रहा हूं, और कंटिन्यूटी में भी अपन ने देखा है चीज, है ना. तो एफ ऑफ एक्स अगर Let us say sine of mod x, और g of x है mod x, तो सबसे पहले तो अपन आप मेरे को बताएंगे sine of mod x क्या ये derivable होगा जीरो पर. इसका ग्राफ आपके दिमाग में बन रहा है, आंख बंद करते दिमाग में आपके चोंच आ जाएगी जीरो पर. कल ही अपन ने बनाया था ना, जीरो पे चोंच आई थी. तो नॉट डेरीवेबल एट x इज इक्वल टू जीरो, और ये वाला ग्राफ भी नॉट डेरीवेबल है एट x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं, है ना, या सम लेता हूं, चलो सम ले लेते पहले, तो एक काम करते एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, डिफरेंस ले लेते ना, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, साइन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स. अब जीरो पर आपको क्या करना है, डेरिवेबिलिटी चेक करना है, ठीक है, इनके डिफरेंस की. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन मॉड एक्स का और मॉड एक्स का. मॉड एक्स का एल एच डी अपने को पता है ना, मॉड एक्स का एल एच डी हमें पता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव. तो मॉड एक्स तो अपने को पता है अच्छे से ऐसा होता है, ये वाला स्लोप क्या होता है, माइनस वन, वी नो दैट राइट. तो ये तो माइनस वन हो गया. साइन मॉड एक्स का देखना पड़ेगा, जब एक्स नेगेटिव है तो साइन मॉड एक्स खुलेगा कैसे, साइन ऑफ माइनस एक्स बन के, मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स बन के. तो डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा, फिर उसमें जीरो माइनस एच रखोगे तो कॉस ऑफ जीरो माइनस एच कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एच, और बाहर नेगेटिव है तो माइनस वन. तो यहाँ पर भी देख रहे हो आप, डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आ रहा है, तो मतलब एल एच डी आर एच डी बराबर आ गया, दोनों निकम्मे थे लेकिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो भाई डेरिवेबल आ गए,
बात समझ में आ रही? तो कुछ नहीं कह सकते अपन, जब दोनों की दोनों निकम्मे हो ना तो हो सकता है कि भाई इनका भला हो जाए साथ मिलने पर। और एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स देखोगे तो आप चेक कर लेना ये नॉट डेरिवेबल है, तो अपन कुछ कह नहीं सकते निश्चित तौर पे। ठीक है, आप एल एच डी निकालोगे आर एच डी निकालोगे दे वॉन्ट बी इक्वल। अच्छा सुनो, एल एच डी आर एच डी यहाँ बराबर है तो यहाँ लिख लो है ना, देयरफॉर डेरिवेबल, बस अपना प्रॉपर्टी खत्म हो गया, आगे बढ़ेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप चेक कर लेना खुद से, मेरा मन नहीं हो रहा कैलकुलेट करने का, बिकॉज क्या ही करेंगे कैलकुलेट करके, तो ये नॉट डेरिवेबल आएगा, दिस इज नॉट अ डेरिवेबल। कर लेते दो मिनट रुक जाओ, ठीक है देखते हैं। एल एच डी निकालेंगे अगर अपन तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन सॉरी माइनस वन प्लस माइनस वन, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड रुकिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने निकाला था, एक्चुअली क्या था ना कि मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव साइन एक्स का निकाला था माइनस वन और इसका भी माइनस वन, माइनस वन माइनस माइनस वन जीरो आएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वन माइनस वन, वो भी जीरो आ जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस वन दैट विल बी माइनस टू, और राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी वन प्लस वन दैट इज प्लस टू, तो नॉट डेरिवेबल आ रहा है। ज़्यादा लोड मत लो, बहुत आसान है, इस कारण मैं समझा नहीं रहा हूँ अच्छे से, करके देख सकते हो आप आराम से है ना। प्लस एच पर डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एच मतलब वन, और ये तो पता ही अपने को वन होता है, वन प्लस वन टू, आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तीन चार स्टार लगा दो, स्टार इसलिए नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैं आपको पहली वार्निंग दे चुका हूँ कि अपना लेक्चर डिफिकल्ट रहेगा और चल भी रहा है ना, वी आर मेंटेनिंग दैट। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, ये दिया एफ ऑफ एक्स एंड हमें दिया हुआ है कि जी ऑफ एक्स इज दिस मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी वेर टी इज बिटवीन जीरो टू एक्स। लिखो लिखो लिखो, समझ में कुछ नहीं आएगा आपको क्वेश्चन में, अभी मैं ही समझाऊंगा आपको, अभी आप लिखो, फॉर एक्स बिटवीन जीरो टू वन एंड थ्री माइनस एक्स एक्स बिटवीन वन टू टू। ये जनरली मैं स्किप करा देता हूँ क्वेश्चन कभी कभार, लेकिन क्या होता है ना कि फिर बच्चे डाउट पूछ लेते बाद में, जब भी आप संगेज वगैरह सॉल्व करोगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर एक ना एक बार परेशान करेगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, देखिए डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी ऑफ जी ऑफ एक्स इन x belonging to 0 to 2। ठीक है, पहले लिख लो, समझ में कुछ नहीं आने वाला आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत उलझुल है, बहुत उठपटांग है। ठीक है, तो आज की रात का, शायद आज की दोपहर का ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, स्टार्ट करें अपन इसको सोचना। अच्छा सुनो, अभी इतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना मैंने डरा दिया, डरो मत, देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे बोला है कि एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, ठीक है अच्छी बात है, हमको समझ में आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज अ क्यूबिक। ठीक है, अरे ऐसे ही मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, क्यूबिक का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स ए क्यूबिक, और जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स को देखो इतना गंदे तरीके से डिफाइन करा है इसने, चलो वन से टू के बीच में तो बड़ा प्यारा है, थ्री माइनस एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन, लेकिन ना जब एक्स जीरो से वन होगा तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा बड़ा उलझुल टाइप का यहाँ पे दे रखा है, पता नहीं क्या है, मैक्स ऑफ एफ टी और जीरो से लेकर एक्स के बीच में रहेगा टी, पता नहीं क्या है, तो यहाँ से अपने को कुछ आइडिया नहीं लगेगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इतना तो समझ में आ गया ना कि जीरो से वन के बीच में मैक्सिमम ऑफ एफ टी रहेगा, ऐसा अपने को कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक वेरिएबल दे दिया इन्होंने टी,
आपका अगर मन हुआ है ना, आपका अगर मन हुआ कि जीरो से वन के बीच में हम कुछ कुछ कैलकुलेशन करते हैं, तो जीरो से वन के बीच में आप कोई नंबर चूज करोगे, ठीक है। मान लो आपको हाफ पर वैल्यू निकालना है, आप हाफ पर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो बेसिकली अब आप क्या करोगे, जीरो से हाफ के बीच में टी को देखोगे, टी आपका जीरो से हाफ के बीच में, तो जीरो से हाफ के बीच में आपको एफ ऑफ टी का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो यहाँ पे रिपोर्ट करना रहेगा। आ रही मेरी बात समझ में? फिर से बताता हूँ, ठीक है। आपका मन हुआ कि जीरो से वन के बीच में कुछ कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अभी जीरो से वन के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, लेटेस्ट से अपन ने हाफ लिया तो एक्स का वैल्यू हाफ हो गया, तो टी अब जीरो से हाफ के बीच में हो गया। तो जीरो से हाफ के बीच में जो एफ ऑफ टी का मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, वो नंबर यहाँ पर आएगा। आ रही है आपको बात समझ में? अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है अपने को 10% समझ में आया हो, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि एक बार में पूरा चमक जाए। एक काम करते ना, ये वाले फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जांच करते हैं। एफ ऑफ एक्स को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, क्योंकि आपको एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी कहीं ना कहीं काम आएगी। इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² - 2x + 1, ये इसका डेरिवेटिव है। अच्छा इसका डेरिवेटिव अपन चेक कर लेते हैं ना कि ये फंक्शन कब कब इंक्रीजिंग और कब कब डिक्रीजिंग। फंक्शन चैप्टर में मैंने आपको सिखाया है कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं। तो आप लोग मेरे को बताइए कि ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये कब पॉजिटिव है, व्हेन इज दिस पॉजिटिव? हमने चेक करा तो पता चला इसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है, चेक करो ना, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, डी नेगेटिव है, मतलब ये क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। आ रहा समझ में? मतलब इसका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव मतलब इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे कभी नहीं आ रहा है ना। अच्छा चलो ठीक है, मतलब इसका एक ही रूट होगा, नहीं इसका रूट नहीं है वैसे, मैं क्या बता रहा हूँ, रूट कहाँ से एफ ऑफ एक्स का। हाँ बिल्कुल 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 सही पकड़ा आपने विवेक, क्योंकि एक क्यूबिक है, क्यूबिक अगर नीचे से पाताल लोक से आकाश लोक जाती है तो तीन बार कट करती है एक्स एक्सिस को, लेकिन यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकाला और ये हमेशा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब इसके टर्न नहीं आ रहे होंगे इसमें, क्योंकि टर्न आएंगे अगर तो ये डिक्रीज भी करेगा ना, तो टर्न नहीं आना चाहिए, मतलब डेफिनेटली ये एक बार में ऐसे कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लेके ऊपर निकल लिया होगा और एक ही बार इसने कट किया होगा एक्स एक्सिस को, इसके टर्न वगैरह कहीं पे नहीं आएंगे, तो ये इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। खैर उतना डिटेल में अपन नहीं जा रहे, बट आपने एकदम सही पकड़ा है। तो ये फंक्शन जो है क्यूबिक, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और अपन क्या करते हैं कि इस फंक्शन का ग्राफ अगर अपन बनाएंगे, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका ग्राफ अगर मैं जीरो से वन के बीच में बनाता हूँ, ठीक है, तो जीरो से वन के बीच में अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं अपन, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये पॉइंट है एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, शांति से देखना पड़ेगा यार, है ना, क्वेश्चन आसान होता तो जिंदगी कितनी इजी होती। जीरो से वन, ठीक है, जनरली बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टॉपिक्स होते थे ना, तो मैं एक आदत होती थी मेरी कि उसको बताता ही नहीं था मैं, लेकिन अभी आईआईटी बड़ा सरप्राइज करने लगा है। एक बार ऐसा ही एक क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ गया था, वो देखते ही मैं दंग रह गया था कि यार कुछ भी पूछ सकता है अपने से, तो इसलिए यार एक बार आप टच कर लो, आपको समझ में आएगा ये। अच्छा जीरो से वन के बीच में अपने को तय करना है, बेटे इधर देखो, इसका इसमें जीरो डालो, अरे जीरो डालो ना इसमें, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है मतलब इसका ग्राफ ऐसा ऊपर जाएगा हमेशा, तो जीरो डाल दो, जीरो पर आंसर क्या आ रहा है, वन, जीरो पर आंसर वन आ रहा है, और वन डालो यहाँ पे, वन डालने पे आ जाएगा वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन टू आ रहा है, देखो ना वन माइनस वन वन प्लस वन टू, तो जीरो पे वन आंसर आ रहा है और वन पे टू आ रहा है, तो आपका ग्राफ जो है जीरो से वन के बीच में ये ऐसा जाएगा, जीरो से टू तक, ठीक। तो मैंने ग्राफ हल्का सा बना दिया सिर्फ और सिर्फ छोटे इंटरवल जीरो से वन के बीच में, ठीक है। चलिए ये भी ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब है ना मैं आपको एक क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करता हूं, देखिएगा अभी अपन ने क्वेश्चन की एक भूमिका बनाई। मान लो आपकी खोपड़ी में आया कि आप हाफ पर वैल्यू निकाल रहे हो, है ना, आपके दिमाग में आया कि आप हाफ में वैल्यू निकालोगे, तो हाफ कौन सा ब्रांच पकड़ेगा, ये वाला या ये वाला, ऑफ कोर्स ये वाला, क्योंकि हाफ इधर आता है,
तो आप हाफ में जाओगे, मतलब एक्स का वैल्यू हाफ हो गया। ठीक है, मान लो आप में से किसी के भी दिमाग में आया, विवेक के दिमाग में आया कि हाफ पर वैल्यू निकालते, तो हाफ इधर आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू हाफ। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी एक्स का वैल्यू तुमको निकालना है वो यहाँ पे रखो। ठीक है, तो यहाँ पे रखा अपन ने, मतलब अपने को टी जो है वो जीरो से हाफ के बीच में मिल रहा है, और जीरो से हाफ के बीच में जो एफ ऑफ टी का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका आंसर होगा। तो जीरो से हाफ के बीच में सिर्फ देखना है। देखो एफ ऑफ टी मतलब, समझ रहे हो ना, एफ ऑफ टी मतलब एफ ऑफ एक्स, बेसिकली एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिटवीन जीरो से हाफ, एफ ऑफ टी बोल दो या एफ ऑफ एक्स बोल दो, एक ही बात है। लेकिन जीरो से हाफ के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगा, हाफ में, क्योंकि फंक्शन बढ़ रहा है, तो जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा उसी पर मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। तो अगर आप हाफ पर वैल्यू निकालोगे तो मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी क्या आएगा, एफ ऑफ हाफ आ जाएगा। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, आपको मजा आएगा। ओके, मान लो आपकी खोपड़ी में आया कि अपन है ना 1/4 पे आंसर निकालते हैं, तो 1/4 अगेन सेम ब्रांच, एक्स का वैल्यू 1/4, मतलब एफ ऑफ टी का जो भी ग्राफ होगा उसमें 0 से 1/4 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू पकड़ना है। तो 0 से 1/4 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/4 मान लेते हैं, तो 1/4 पर ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 0 से 1/4 अगर आप चेक करोगे ना तो आपका आंसर एफ ऑफ 1/4 आ जाएगा। समझ रहे हो, मतलब अगर आपने हाफ पर वैल्यू चेक करा तो आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ हाफ, क्योंकि हाफ पर ही मैक्सिमम है। 1/4 पर चेक करा तो आंसर क्या आ रहा है, 1/4। मान लो आप 5/11 पर चेक करोगे, 5/11 पर चेक करोगे तो भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 5/11 पर ही आएगा। मतलब जिस पॉइंट पर आप चेक करना चाह रहे हो वही पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, अगर वो पॉइंट 0 से 1 के बीच में है तो। अगर आप बोलते हो कि कद्दू पे चेक करना है और कद्दू 0 से 1 के बीच में, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, कद्दू पर ही मिलेगा, क्योंकि आप जो पॉइंट आप चूज करोगे वो इंटरवल अपने आप वहीं पे बन जाएगा, है ना। जैसे कि अपन ने हाफ चूज करा था तो यहाँ पे अपने आप 0 से हाफ बन गया, और 0 से हाफ में तो भाई हाफ जो है उस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। कद्दू लोगे तो कद्दू पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो अगर अपन एक्स लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगा, एफ ऑफ एक्स पर आएगा। सोचो ना, अरे यार अगर आपने कोई भी रैंडम एक्स ले लिया, जनरलाइज कर रहा हूं इसको, अगर आपने एक्स ले लिया तो मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स पर आएगा। जैसे हाफ लेने पे हाफ आया, एफ ऑफ हाफ, 1/4 लेने पे एफ ऑफ 1/4 आया मैक्सिमम वैल्यू। तो उसी तरह से अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि चलो एक्स ले लेंगे, अगर अपन 0 से एक्स लोगे तो 0 से एक्स पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, खुद एक्स आ जाएगा। मतलब ये जो आपके सामने लिखा हुआ ना, ये डराने के लिए लिखा हुआ था, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। जो वैल्यू आप एक्स का लोगे उसी पर मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स, मतलब आप अगर एक्स का वैल्यू एक्स ही लेते हो तो आपका मैक्सिमम वैल्यू खुद एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन अभी डिकोड हुआ है, अपना क्वेश्चन अभी क्रैक हुआ है। अब इस क्रैक्ड क्वेश्चन को फिर से अच्छे से लिखूंगा मैं। अब जी ऑफ एक्स को मैं तमीज से लिखने वाला हूँ, बिकॉज आई हैव नाउ डिफाइंड इट। तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ओके। तो एफ ऑफ एक्स यहां पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो एफ ऑफ एक्स हो गया जब एक्स जीरो से वन है। जब एक्स जीरो से वन है तो आपका ये रेड वाला पार्ट पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और जब एक्स वन से टू है, वन से टू में तो बड़ी अच्छी परिभाषा है, तो आपका फंक्शन हो जाएगा 3-x। ठीक है, चलेगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स है मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ही लिख डालो ना, जीरो से वन के बीच। एफ ऑफ एक्स क्या है, वी नो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, व्हेन एक्स इज दिस और 1 से 2। ठीक है, 3-x। अब अपना क्वेश्चन बन गया। देखो 0 से 1 के बीच में ये क्यूबिक है और 1 से 2 के बीच में ये लीनियर है। आप चाहे तो ग्राफ बना दो इसका, अरे कसम से, देखो मैं आपका ग्राफ हंसते खेलते ग्राफ बना दूंगा मैं। आप क्वेश्चन ही खत्म हो गया अपना। देखो यार, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन से डरा मत करो ना, दे आर, यही एक रियल चैलेंज है। कुछ अचीव करना है आपको तो यही सब सीखना पड़ेगा। 0 से 1 मतलब 0 यहां पर आएगा और 1 यहां पर आएगा और 2 यहां पर आएगा। तो 0 से 1 के बीच में अपना क्यूबिक ऐसा चल रहा था ना, 1 से लेकर 2 जा रहा था,
मान लो ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है, तो क्यूबिक आपका वन से लेकर टू गया था, दिस इज द क्यूबिक, इंक्रीजिंग फंक्शन था, इट वॉज क्यूबिक। यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है, वन पर आंसर आ रहा था टू के बराबर और जीरो पर आंसर आ रहा था वन के बराबर। अच्छा अच्छा, वन से लेकर टू के बीच में इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, मतलब तिरछी लाइन बनेगी ऐसे, और वन डालो यहाँ पे, वन डालोगे तो थ्री माइनस वन टू। अच्छा तो मतलब ये टू पर हॉलो लेकर चालू होगा, क्यों, क्योंकि यार डार्क तो इसी ने ले लिया ना, तो ये हॉलो लेकर चालू होगा, और आप टू डालोगे तो थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू कितना होता है वन, तो ये वन पर आके गिरेगा, तो स्ट्रेट लाइन है। मैं स्ट्रेट लाइन को थोड़ा डिफरेंट कलर इंक से बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और टू पर ये आंसर वन ले लेगा, दिस इज द ग्राफ। ये है ग्राफ किसका, जी ऑफ एक्स का, दिस इज द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कर्वी था और यहाँ पे चोंच आ गई। अब तो अपन आंख बंद करके बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है हर पॉइंट पे, जीरो से टू के बीच में ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बट नॉट डेरिवेबल एट वन, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल जीरो से टू एट नॉन डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। दिल को दहला देने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा, बट सिर्फ स्टार्टिंग वाला पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या कह रहा है कि जो एक्स डालोगे वही मैक्सिमम है, तो हमने बोला कि हम एक्स की जगह एक्स डालेंगे तो मैक्सिमम भी एफ ऑफ एक्स आएगा, तो क्यों ना हम इसको एफ ऑफ एक्स लिख दे, खत्म, डराने के लिए, चमकाने के लिए आपको बस ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ना बहुत मिलेंगे, तरह तरह की बुक करोगे, तरह तरह के मॉक टेस्ट दोगे, क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, ये अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूँ इसको मैं, बिकॉज इसमें दो क्वेश्चन करने हैं अपने को बस, और ये थोड़ा सा आसान तो नहीं है, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ, टाइम टेकिंग है, बट आप ज़रूर इसको पेशेंस के साथ सुनोगे तो समझ में आएगा आपको। दो क्वेश्चन करेंगे बस अपन, दो ही करवाता हूँ मैं हर बार, उतने में समझ में आ जाता है, आप बोलो तो मंडे को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने ऊपर का लिखा नहीं, लिख लो, आज करेंगे तो अपना शायद 15 मिनट और पढ़ना पड़ेगा, बट चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कर डालते ना, क्या दिक्कत है। लिख लो लिख लो, और ऊपर करना है क्या, एकदम स्टार्ट से दिखाओ, फिर तो आप नोट्स ही देखना विवेक, ठीक है, आपको मैं पीडीएफ प्रदान कर दूंगा थोड़ी देर बाद, नोट्स देखना, बिकॉज अभी आगे भी फिर बहुत टाइम लगना है अपना। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल, इसमें आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, एंड सेटिस्फाइंग अ गिवन फंक्शनल रूल, Satisfying a given functional rule, ठीक है। अब इसमें ना स्टेप्स होती है कुछ कुछ, वो स्टेप्स मैं आपको अंग्रेजी में लिखवा दूंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा अल्टीमेटली हिंदी में, तभी आपको समझ में आएगा, तो ठीक है, थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। लिखिए पहले, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर, अपन ने स्टार्टिंग में काफी बातें कर ली थी आज 25 मिनट तक, तो मैंने बोला ही था कि थोड़ा तो मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा, तो पढ़ लेते, ठीक है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर एफ डैश एक्स एज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एच सॉरी अपॉन एच। कोई भी ऐसा मत सोचना कि यार मैं बाद में लिख लूंगा, क्योंकि वो जो चीज है ना वो आपको पूरी लाइफ परेशान करेगा, दैट इज नॉट अ गुड मेंटालिटी। हल के हल पूरा काम कंप्लीट करो,
तो आपको बाद में सिर्फ होमवर्क करना रहेगा। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इन सच अ वे दैट द गिवन फंक्शनल रूल दैट द गिवन फंक्शनल रूल इज एप्लीकेबल। ठीक है, देखो यार लिखूंगा तो मैं पूरा स्टेप्स है ना, बट समझाऊंगा मैं आपको ओरली। नाउ क्या करेंगे अपन, फंक्शनल रूल को अप्लाई कर देंगे ना, बस इतना लिख दो ना, नाउ अप्लाई द गिवन फंक्शनल रूल एंड सिंप्लीफाई आरएचएस। कोई कह रहा था कि सर कैलकुलस डिफिकल्ट नहीं हो रही है, तो दिस इज द बिगिनिंग, बट डिफिकल्ट नहीं होने देंगे अपन, है ना, इतना भी कोई तोप नहीं है। सिंप्लीफाई आरएचएस टू गेट एफ डैश ऑफ एक्स, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोंग विथ कॉन्स्टेंट्स इफ एनी। अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इतना इंटीग्रेशन हमको आता रहेगा, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स टू गेट एफ ऑफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सब समझा दूंगा मैं, आप चिंता मत करें, बट लिख लो। लिखो अप्लाई बाउंड्री वैल्यूज कंडीशंस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट। बस हो गया, ये लास्ट पॉइंट था। अब ये क्या बकवास लिखी है अपन ने, इसको बस लिखवा के रखा है मैंने ताकि आप कभी रिवाइज तो करोगे ना जीवन में, तब आप भूल जाओ अगर, तो ये चीज पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसका पीपीटी ला के आपको बता सकता था कि यार ऐसा ऐसा है आप लिख लेना, बट मेरे को पता है आप नहीं लिखते उस केस में, मेरे साथ साथ लिख लोगे तो ही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको है ना कुछ उटपटांग फंक्शनल रूल दिया जाता है, फिर आपको बोलता है कि बताओ फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई For all x, y greater than 0, ठीक है, if f of f dash of 1 is equal to 1, then find f of x. ठीक है, डरो मत बेटे, डरो मत, इतना भी मुश्किल नहीं है। देखो ln x, बहुत सही है, बहुत सही, मान गए अद्वैत। कोई भी बता देगा देखते ही कि ये तो log x जैसा कुछ कुछ है, तो f डैश ऑफ 1। देखो ln x आपने बोला है, अच्छी बात है, क्योंकि ये वाला रूल जो होता है log में ही लगता है, राइट। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स होगा 1/x, फिर एक्स की जगह 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश 1, 1/1, मतलब सही है आंसर, ln x होना चाहिए। ठीक है, तुक्का तुक्का नहीं है ये,
ये बहुत अच्छे से अपन ने लॉजिक लगाया है, बट सॉल्व नहीं करा है तो दुनिया इसको तुक्का बोलेगी, अपन इसको बोलेंगे यूजिंग आवर ब्रेन। तो ये रूल अपने को पता है, फंक्शनल रूल क्या होता है, तमीज से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, आप है ना एक चीज सुनो मेरे से और फिर पूरे क्वेश्चन अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये क्या होता है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है, इसको आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। अरे यार एच की जगह अगर अपन ने माइनस एच डाला तो ये एल एच डी बन गया, तो बेसिकली आर एच डी और एल एच डी है किस पॉइंट पर, एक्स पर। एक्स पर राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, और डेरिवेटिव को ही तो अपन एफ डैश बोलते हैं, बात समझ में आ रही। तो है ना हम लोग ये फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बस मैं आपको ये चीज बता के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। वी विल ट्राई टू क्रिएट दिस फॉर्मूला, और जैसे ही ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा इसको अपन एफ डैश बोल देंगे, ठीक है। अपना टारगेट क्या है, वी विल ट्राई टू समहाउ क्रिएट दिस फॉर्मूला विद द गिवन फंक्शनल रूल। तो यहाँ पर फंक्शनल रूल अपने को क्या दिया, ये ठीक है, ये वाला फंक्शनल रूल दिया हुआ है। सुनो मेरी बात, मैं क्या करूंगा ना, पता है अपना फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कोपचे में लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये होता है ना एफ डैश एक्स का फॉर्मूला, इसको यूज अभी कोपचे में लिख दिया बस, है ना, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं। तो आप मेरे को खुद ही बता दोगे कि क्या करना रहेगा, देखना आप, है ना, ये जो एक्स है इसकी जगह क्या रखूं कि यहाँ पर एक्स प्लस एच आ जाए, और ये जो वाई है इसकी जगह कुछ कुछ रखने पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो एक्स है ना, सॉरी इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको अच्छे से डिटेक्ट कर पाए। ये जो एक्स है, एक्स की जगह आप क्या डाल दो, एक्स प्लस एच डाल दो, और जो वाई है वाई की जगह आप क्या डाल दो, एक्स डाल दो। तो होगा क्या कि ये येलो वाला येलो वाले से रिप्लेस हो जाएगा, आप कुछ भी डाल सकते हो। सुनो पहली बात तो यहाँ पर क्या बोला है, एक्स वाई को आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल सकते हो, तो हम एक्स की जगह टू भी डाल सकते हैं, थ्री भी डाल सकते हैं, वाई की जगह फाइव सिक्स सेवन एट कुछ भी डाल दो। मैंने बोला कि एक्स की जगह ये डालो और ये डालो, उससे ये फॉर्मूला क्रिएट होगा, बस यू हैव टू क्रिएट दिस फॉर्मूला। तो उसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे अपन, तो देखो क्या हो जाएगा, हर जगह अब दुनिया में जहां जहां एक्स है इस फंक्शनल रूल में, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस एच डाल दो, तो इधर आगे एक्स प्लस एच ऊपर और नीचे वाई की जगह आप डाल दो एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स की जगह, दिख रहा है एक्स प्लस एच डाला मैंने ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, क्यों बना रहे हैं वो अपन देखेंगे, और वाई की जगह अपन एक्स डाल देंगे, ठीक है। बस 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 ये फंक्शनल रूल जो दिया था अपन ने उसको ही सेटिस्फाई करता हुआ कुछ एक बना दिया, ओके। अब अपने को पता है कि काश नीचे एच होता तो मजा आ जाता, है ना। अब यार मजा तो चाहिए अपने को, तो अगर मजा चाहिए तो क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ एच से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ मैंने क्या करा, एच से डिवाइड कर दिया ताकि ये वाला आइटम खट से एफ डैश ऑफ एक्स बन जाए, यही तो एफ डैश होता है ना, और इधर भी एच से डिवाइड कर देंगे। देखो क्या बन जाएगा अपना, आर एच एस बन चुका है एफ डैश ऑफ एक्स, और एल एच एस क्या बन चुका है एफ ऑफ, ये देखो इधर एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा वन, नहीं देखा आपने, फिर से बता रहा हूँ जिसने नहीं देखा इधर देख लो, एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा वन, तो व्हाट आई कैन से एफ ऑफ वन प्लस एच अपॉन एक्स विल बी एच अपॉन एक्स इटसेल्फ अपॉन एच लिखा हुआ, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है क्या अपने को, ठीक है। तो हम ये क्रिएट करते हैं ना तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। बस आपको जो मैंने पूरा पोथा लिखवाया था ना उसका कोई काम नहीं, बस ये क्रिएट करना है आपको यूजिंग द गिवन फंक्शनल रूल। अभी अपन एक और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से, बट यहां तक देखते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये देखकर मुझे क्या लगा कि ये भी तो एफ डैश की तरह दिख रहा है, देखो ना एफ ऑफ वन प्लस समथिंग, एफ ऑफ वन प्लस समथिंग लिखा हुआ है और वो समथिंग बड़ा छोटा नंबर है, एच अपॉन एक्स तो बहुत छोटा नंबर होगा ना, तो बेसिकली ये वन पर राइट हैंड डेरिवेटिव का इशारा कर रहा है हमको। वन पर अगर अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते तो कैसा फॉर्मूला होता, देखो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, कहने का मतलब क्या है, ये एच की जगह आप कोई भी छोटा नंबर लिख सकते हो ना, हो सकता है आप एच की जगह यहाँ पर थीटा लिख दो, और ये थीटा बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, जो ऊपर थीटा है वही थीटा नीचे होना चाहिए, है ना। तो हमने सोचा कि यार कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये एफ डैश ऑफ वन तो नहीं, कहीं ये वन पर डेरिवेटिव तो नहीं लिखा है, बस अगर यहाँ पे एफ ऑफ वन होता माइनस का
तो मजा आ जाता, वो यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर उसको जबरदस्ती सब्ट्रैक्ट कर सकते और ऐड कर सकते, बट पहले एफ ऑफ वन निकाल तो ले, अपने को पता भी नहीं है कि एफ ऑफ वन क्या है। अब अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस दिखाओगे तो एफ ऑफ वन निकाल लोगे। अच्छा सुनो सुनो, नीचे एच बाय एक्स नहीं है, बट ठीक है वो तो मैं कैसे भी ला सकता हूँ ना, वो तो मेरा जुगाड़ है, मैंने एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एच बाय एक्स बन जाए, ठीक है, दैट आई विल डेफिनेटली डू इन द नेक्स्ट स्टेप। नाउ लिसन केयरफुली, एफ ऑफ वन कैसे निकालेंगे बताइए, यहाँ पर वन चाहिए, वन चाहिए तो एक्स और वाई को क्या रखेंगे, वन और वन, तो आपका एफ ऑफ वन आ जाएगा। तो अपन एफ ऑफ वन पहले निकाल लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, फाइंडिंग एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वन बाय वन, पुट एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो एफ ऑफ वन मैंने निकाला, यहाँ पर आ जाएगा एफ वन माइनस एफ वन जो कि होता है जीरो, सेम क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी इज जीरो, तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन इज जीरो, तो एफ ऑफ वन जीरो ही आ गया, कितनी अच्छी बात है। अब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ जीरो तो होता ही होता है, आप यहाँ पर जीरो इमेजिन कर सकते हो, माइनस ऑफ जीरो, बिल्कुल, तो यहाँ पर आप जबरदस्ती अब क्या लिख सकते हो, ऊपर वाली चीज को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ वन प्लस एच बाय एक्स माइनस जीरो अपॉन एच बाय एक्स। अच्छा एच बाय एक्स है नहीं, सिर्फ एच है, तो बाय एक्स तो मैं अभी बना दूंगा, देखो ये एक्स से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया यहीं के डिनोमिनेटर में, और ये जीरो तो अपन ने लिखा था, इसको अपन ने जीरो लिखा जरूर है, बट ये होगा क्या, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन जीरो ही है ना। हाँ अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, आर एच एस में एफ डैश ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो सर्कल मैं कर रहा हूँ दिस थिंग, ये क्या है, अब वन पर राइट हैंड डेरिवेटिव सोचकर देखो, वन प्लस थीटा एफ ऑफ वन प्लस थीटा माइनस एफ ऑफ वन अपॉन थीटा, आ रही बात समझ में, तो वन पर राइट हैंड डेरिवेटिव है ये, तो दिस इज एक्चुअली एफ डैश ऑफ वन, वन पर राइट हैंड डेरिवेटिव बोलो या लेफ्ट हैंड बोलो, अभी एच को अगर नेगेटिव रख देंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो दिस इज डेरिवेटिव एट वन, और नीचे एक एक्स पड़ा हुआ है इसको लिखना मत भूल जाना, अपॉन एक्स, और आर एच एस में क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा एफ डैश वन क्वेश्चन में गिवन, वन के बराबर है, तो एफ डैश ऑफ वन वन दिया हुआ है, तो सिंस एफ डैश ऑफ वन इज गिवन एज वन, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वन पुट कर देंगे, अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ डैश को अपन क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, बस ये वाले पार्ट की बात, इतना तो आपने, ये वाला सिचुएशन आपने फिजिक्स में बहुत बार फेस किया होगा, ठीक है, क्या कि डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करने का मन करेगा आपका बताइए, फिजिक्स में आपने बहुत बार किया होगा, स्पेशली जब आप सेंटर ऑफ मास निकालते हो या फिर जो भी हो, जब भी आपको ये dy अकेला मिलता है और dx अकेला मिलता है विथ x का फंक्शन, तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना हो जाएगा y itself, और इंटीग्रेशन ऑफ x कितना हो जाएगा x square by 2, एक कांस्टेंट आएगा सर, वो 1 by x, 1 by x कहाँ से आया सर, वो dx by x होगा ना, dx x dx, अरे यार थैंक्स थैंक्स अ लॉट, ठीक है dx by x होगा, मतलब 1 by x का इंटीग्रेशन, 1 by x का इंटीग्रेशन आप लोगों को याद है क्या होता है, ln x plus constant, आ गया, आपको फंक्शन निकालना था, फंक्शन आ गया, बस कांस्टेंट बचा हुआ है, सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन तो सर डिफिकल्ट लगा हमको, लगना भी चाहिए, ठीक है, मैंने आपको आज स्टार्टिंग में वार्निंग दिया था कि भाई आज का लेक्चर अपना पेशेंस वाला होगा, बट ये अपना फंक्शन आ चुका है, बट कांस्टेंट निकालना है तभी मजा आएगा, फाइनल फंक्शन तभी आएगा सर, एक ही बस एक और करेंगे, एक और, हाँ भाई कांस्टेंट कैसे निकालेंगे बताइए, कांस्टेंट निकाल सकते, देखो कैसे, वी नो दैट एफ ऑफ वन इज जीरो, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां वन डाल दो, तो एक्स की जगह वन डालेंगे, तो एल एन की जगह भी अपन एल एन ऑफ वन कर देंगे और सी वन, तो ये जीरो, एल एन वन जीरो होता है और सी क्या आ गया, जीरो आ गया, तो यहाँ से अपन बाउंड्री कंडीशन भी निकालेंगे, कॉन्स्टेंट इज जीरो, देयरफॉर द फंक्शन इज ln of x, जो कि अद्वैत ने एकदम स्टार्टिंग में बता दिया था, बिकॉज ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, ठीक है, आपने देख के पहचान लिया कि वो फंक्शन कैसा रूल फॉलो कर रहा है,
तो एग्जाम में आपके पूरे 5 नंबर 2 सेकंड में आ सकते हैं अगर आप इतना ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो तो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, क्या पता आपको सब्जेक्टिव में पूछ ले कि फाइंड, सब्जेक्टिव में ये पूछ ले आईआईटी एडवांस में कि फाइंड एफ ऑफ ई टू द पावर 70, चलो ई टू द पावर 7, बस इतना ही पूछ ले। तो ई टू द पावर 7 डालोगे तो आंसर 7 आ जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। पहले फंक्शन निकालना जरूरी है, फिर उसके बाद फंक्शनल वैल्यू। ठीक है यार, तो अपने पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा, आप चाहो तो मैं आपको वो स्टेप बस एक बार बताना जिसमें आपने लिखा है f dash of 1 equal to 1। हाँ ये f dash of 1 is equal to 1, ये वाला स्टेप बताना है, ये कैसे लिखा वो बताना है। हाँ भाई एरो वाला कैसे लिखा। हाँ देखो, ये f dash of 1 जो होगा ना वो क्वेश्चन में गिवन था कि f dash 1 1 है। पहली बात तो ये f dash 1 कैसे आया अगर आपको ये जानना है, तो ये तो f dash का ही डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट f of 1 plus theta minus f of 1 upon theta। तो ये क्या होता है, एफ डैश वन होता है। अब ये थीटा बस एक बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा एच हो, यहाँ पे एच बाय एक्स है तो वो भी एच एच है, तो जहां जहां एच है वो छोटा नंबर है, तो एफ डैश ऑफ वन है और एफ डैश वन का वैल्यू 1 होता है। तो हमने यहाँ पर बस 1 पुट कर दिया है, एफ डैश वन की जगह 1 पुट कर दिया, और ये एफ डैश एक्स को तो डीवाई बाई डी एक्स बोलते ही है, एफ डैश एक्स तो होता ही है डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये डीवाई बाई डी एक्स हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, फिर ये 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ डैश लिखते हैं, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करते हैं। आपको पता है कि एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ एक्स ही आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, और 1 बाय एक्स का एल एन एक्स आएगा प्लस सी। ऐसे भी कर सकते थे अपन, लेकिन मैंने थोड़ा आपको वाई और एक्स के टर्म्स में बताया। ठीक है, अरे समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, या आपका डाउट कुछ और था जो मैं समझ नहीं पाया? सर समझा, वो मैंने देखा नहीं, गिवन था क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, वो गिवन है क्वेश्चन में, अभी इतना सारा डेटा है और मैंने थोड़ा सा आपको आज ओवरफ्लो कर दिया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया अपना आज, तो एक और करेंगे अपन, बिकॉज इट इज वर्थ इट। अपना क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो जाएगा, मंडे से अपन मस्त डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। सपोज एफ इज डेरिवेबल, ये आसान है, ये वाला आसान है, अगर आपको ऊपर वाला आ गया तो ये वाला भी इजी। एफ इज डेरिवेबल फंक्शन दैट सेटिस्फाई the equation f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus x square y plus xy square for all x belonging, sorry, for all xy belonging to real number। ठीक है सर, आज की क्लास का लेवल क्या था? आज की क्लास का लेवल था लेवल ओलंपियाड, नॉट किडिंग। ठीक है आज की क्लास का लेवल था लेवल ओलंपियाड। कभी कभी हमको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सपोज दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 फाइंड। आपको एक चीज बताऊं, एज अ स्टूडेंट ये सब सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद आ गया था समझ में, बट इसको एक्चुअली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ये टॉपिक ऐसा है ना कि बच्चों का पेशेंस ब्रेक हो जाता है, तो वो मैं समझता हूँ कि अपना पेशेंस जो है वो ब्रेक होता है। फाइंड एफ ऑफ एक्स, बस इतना ही रखो है। बट क्योंकि छोटा सा ही बचा है टॉपिक, तो मैंने 10-15 मिनट ज्यादा पढ़ाना सही समझा। इसको अपन 3 से 4 मिनट में खत्म कर देंगे। पहले देखिए क्या बोला है कि एफ डेरिवेबल है और ये कुछ उटपटांग सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमने बोला कोई बात नहीं, हम देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, एक्स वाई रियल है। फिर लिमिट एफ ऑफ एक्स, अच्छा जीरो पर लिमिट एफ एक्स बाय एक्स की, एफ एक्स बाय एक्स की जीरो पर लिमिट क्या है 1 है। ये देखकर आपको आइडिया लग रहा है कि ये साइन एक्स हो सकता है फंक्शन, थोड़ा थोड़ा ये आइडिया लग रहा होगा कि हो सकता है साइन एक्स हो सकता है टेन एक्स हो, बट ऐसे तुक्का मत मार देना प्लीज, बिल्कुल ऐसी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि साइन एक्स ऐसा रूल फॉलो करता है या नहीं करता हमको थोड़ी पता। मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, पहली बात तो आपको ये बनाना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये बनाना है, बिल्कुल बना सकते। देखो हमको क्या दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये एफ ऑफ एक्स को उस तरफ खींच के ले आओ, तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा
दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो अच्छा अच्छे से देख लो भाई, आखिरी क्वेश्चन है, खुश हो जाओ, तो अब दुखी थोड़ी होना, ठीक है। क्लास तो एक्सटेंड कर दी मैंने, मानता हूँ मैं, लेकिन हो जाएगा खत्म, ठीक है। आर्क साइन एक्स आ रहा है आपका आंसर, चलो देखते हैं। आई हैव नो आइडिया, आई लिटरली हैव नो आइडिया कि क्या आंसर आएगा। ऊपर वाला आपने ln x बोला था, मैंने कंफर्म कर दिया, बट यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि साइन इनवर्स भी कोई ऐसे में बता सकता हूँ, तो देखना पड़ेगा। अच्छा ये चीज़ क्या होती है, अगर इसमें लिमिट x, सॉरी अगर इसमें लिमिट h टेंडिंग टू जीरो होता है, तो ये चीज़ जो होती है वो f डैश x होती है, जब h जीरो की तरफ टेंड करता है तब। तो यहाँ पर भी मैं कुछ वैसा बना सकता हूँ, नीचे h से डिवाइड कर दूंगा। अरे चमक रहा है ना थोड़ा बहुत, थोड़ा तो चमक ही रहा होगा। आप y की जगह कुछ डाल दो ना, h डाल देते y की जगह, सोचो x की जगह x ही रहने दो और y की जगह आप h डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, और यहाँ पर भी y की जगह अपन f ऑफ h डाल देंगे माइनस x स्क्वायर h प्लस x इंटू h स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे h मैंने अपने आप डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी h डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर सर वो माइनस कहाँ से आया, कौन सा माइनस, f ऑफ h के बाजू में RHS में, RHS में यहाँ माइनस आ रहे, गलती से आया वो, तो बहुत ही चालाकी मेरा ऑब्जर्वेशन, थैंक्स, गलती से लिख दिया मैंने वहाँ पे माइनस। यहाँ पर अपन h h h दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, और सुनो सुनो सुनो, जैसे ही अपन दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे ना, अब क्या लिमिट h टेंडिंग टू जीरो होगा जैसे ही, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो आप दोनों तरफ लगा दो, वो तो अंडरस्टूड भी है, अब अगर नहीं भी लिखते तो भी अंडरस्टूड है। तो ये एल एच एस क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और आर एच एस क्या हो जाएगा, देखते हैं देखते हैं, ये h से h कटा तो ये तो एक्स स्क्वायर, ये h से h कटा तो ये एक्स एच, और ये एफ एच अपॉन h का लिमिट तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 1, ये हमको 1 गिवन है क्वेश्चन में, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब h को जैसे ही जीरो रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ ना, जिसने ध्यान नहीं दिया देख लेना, एक सेकेंड और लगेगा अपने को। जैसे ही अपन लिमिट h टेंडिंग टू जीरो डालोगे, ये तो एफ डैश एक्स होता है, और ये एच एच काट दिया, यहाँ पे एच और एच स्क्वायर पूरा नहीं कटा, एक एच रह जाएगा, तो लास्ट में जब अपन एच टेंडिंग टू जीरो रखोगे तो यहाँ पे जीरो आएगा आंसर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 के बराबर। क्वेश्चन आसान होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन ना स्टार्टिंग में बच्चा डरता है। तो अपने को क्या दिया, एफ डैश एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करना चाहो तो आप ऐसे ही कर दो, आप चाहो तो dy by dx लिख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। dy by dx लिखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx आएगा इधर, अरे dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट dy का इंटीग्रेशन y, 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर दोगे x। अच्छा आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, किसी को भी आता है इस क्लास में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्यूब बाई थ्री, चलो बस मेरे को वही डर था कि अपने को पता है ये चीज़, अच्छी बात है, प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका फंक्शन हो जाएगा, दिस इज द फंक्शन। अब सी निकालना अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेगा एफ ऑफ एक्स निकालो, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 7 या एफ ऑफ 3 या एफ ऑफ 5, तो ये सी का वैल्यू निकालना जरूरी है। जो भी डेटा गिवन है अपन उसको यूज करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन में अगर अपन देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा देखो एक्स वाई दोनों को जीरो रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो प्लस जीरो एफ जीरो एफ जीरो, ये पूरा जीरो, हाँ तो एफ ऑफ जीरो निकल आएगा। कैसे आएगा, अगर अपन सी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर सी पुट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। तो f ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, मतलब 1 टाइम्स ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। तो आप यहाँ पे x की जगह 0 डाल दो हर जगह, और y का वैल्यू 1 आना चाहिए, तो y का वैल्यू सॉरी f ऑफ x की जगह 0 डालो तो इधर क्या आएगा, f ऑफ 0, यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 0 क्यूब बाय 3 प्लस c, f 0 कितना होता है 0, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, कॉन्स्टेंट 0 आ गया। तो आपका फाइनली फंक्शन आ जाएगा, देयरफॉर द फंक्शन इज
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री। अब आप मेरे से कुछ भी पूछ लो, आपको सब्जेक्टिव में पांच नंबर में अगर दे दिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ नाइन, एफ ऑफ नाइन तो बहुत अनफॉर्चुनेट बड़ा नंबर है ना, तो थ्री दे दिया तो थ्री क्यूब 27, 27 बाई थ्री कितना हो जाएगा नाइन, और यहाँ पर भी थ्री नाइन प्लस थ्री 12, आपका आंसर 12 आ जाएगा। पांच नंबर मिल जाएंगे लेकिन कॉन्स्टेंट निकालने के बाद मिलेंगे, ठीक है। काफी डिफिकल्ट लेक्चर था आज का, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते है ना आपको, लेकिन आप लोगों ने अच्छे से फॉलो किया भाई, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बड़े पेशेंस से सुना, रियली बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक बार रिवाइज भी कर लेना इसको, ठीक है। लेवल काफी ऊपर था आज के क्वेश्चंस का, क्योंकि तीन दिन से लेवल काफी नीचे भी था, ये भी तो देखो है ना, तो आज के दिन लेवल बढ़ाने की जरूरत भी थी। और अपना एलसीडी खत्म होता है, एमओडी एओडी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोज चैप्टर्स आर वेरी इजी, ये तीनों चैप्टर्स भी बहुत आसान थे आज का, अगर लेक्चर अपन छोड़ दे तो, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर को आप अलग से रिवाइज करना। आपका आज का होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी कि डेरिवेबिलिटी का आप मॉड्यूल कर ले, जितने भी क्वेश्चंस डेरिवेबिलिटी के हैं, और आरडी शर्मा के ऑब्जेक्टिव कर लेना डेरिवेबिलिटी के, लेकिन है ना मेरे को पता है आरडी शर्मा में डेरिवेबिलिटी हाँ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव कर लेना बस। डेरिवेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कंटिन्यूटी से ज्यादा आते, ठीक है। इतना बस कर लो, कल के दिन रेस्ट करना, कुछ भी मत करना, कल पूरा रेस्ट करो। आप चाहे तो पूरा दिन पढ़ाई नहीं भी करो, या थोड़ी सी पढ़ाई करके थोड़ा रेस्ट कर लो, बाकी तो आप जानते हैं समझदार है, ठीक है। तो लेक्चर आज का मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर एक्सटेंडिंग अ लॉट, बाय एवरीवन, थैंक यू।